गिटहब पे अपलोड नहीं हो रहा, वहाँ पे वो लिंक नहीं क्रिएट हो रहा, पेजेस पे जाकर वो समझ नहीं आ रही क्या है। गिटहब पेजेस पे तो नहीं सर हो वो रहा? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो मुझसे पता नहीं वो कहाँ पे एरर हो गया है, जिस वजह से वो लिंक हाँ नहीं हाँ जी क्रिएट जी हो जी रहा करें वो। करें, हाँ जी स्क्रीन शेयर करें, अभी देख लेता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। स्क्रीन शेयर हो गई है सर? जी हो गई है स्क्रीन शेयर आपकी। सर ये मेरी रिपॉजिटरी है ना, इसमें मैंने ठहरे ये सारा इसमें मैंने ये अपलोड कर दिया है ना, ठीक है। अब ये वो लिंक नहीं बन रहा जो होस्ट अच्छा कर आपके पेज में ना पहले तो मुझे दिखा रही कोड है। दिखाएं। हाँ पहले तो मुझे कोड पे क्लिक करके कोड दिखाएं। ये आ गया ना, ये अच्छा सारी फाइल इसकी आ गई ना, बिल्कुल सही है, ये कोड इंडेक्स पे आ डॉट गया एच टी हूँ। एम एल आ चुका है यहाँ पे। अब ज़रा जाएँ, जी ये सर आपकी जाएँ पेजेस में जाएँ, सेटिंग में जाके पेजेस में जाएं। उसी पे क्लिक किया है वो सर। अच्छा लोड हो रहा है। सर मेरा भी लिंक नहीं आ रहा गेटअप पे यार वो असल में थोड़ी देर में आता है, 2-4 मिनट लगते हैं उसको, हो सकता है सर, वो तो ज़्यादा देर हो गई आया ही नहीं। अभी देख लेता हूँ, तुम्हारा भी देख लेता हूँ, पहले इनका देखते हैं ना, ये तुम भी देखते जाओ, हो सकता है तुम्हारा भी यही मसला हो। अगर ज़्यादा लोडिंग कर रहा है तो पेज रिफ़्रेश कर लें आप। हो सर गया? ये हाँ मैं पेजेस जा अभी सर सब, मेरा सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा है। अभी सबका इशू देखता हूँ एक एक करके, कोई मसले की बात नहीं है। अब ये सर ये पेज में मैं आ गया हूँ ना, यहाँ से ये मैंने किया मेन किया है ठीक है, यहाँ से भी ये रूट हो गया, पता नहीं ये सेव का बटन ये वो नहीं हो रहा। अच्छा इसको आप एक काम करें, आप इसको मेन से हटा के नन पे करें, मेन से हटा के अब इसको नन पे करें। सही है, अब सेव करें। अब एक दफ़ा और आप इसको जो है ना मेन पे करके सेव कर दें, ये यानी हमने बंद करके दोबारा ऑन किया इसको, आप इस तरह समझ लें। सही है, हमने ठीक, अब इसको दोबारा नन करूं या दोबारा मेन पे जाएं, अब सही है मेन पे जाएं, अब अब सेव करें। से? हमने ना इसको ऑफ करके ऑन किया है गिटहब पेजेस को दोबारा से। ठीक है अच्छा अब हमें देखते हैं कि ये आता है या नहीं आता है पेज आपका यहाँ पे। सही है। अच्छा हम देखने के लिए अब क्या करेंगे, ठीक है, हम बस ये भेज। करेंगे कि ये क्या हो रहा है। अच्छा लोड हो रहा है ये अभी। अभी दोबारा से इस पे जाऊँ ना रिपॉजिटरी, वहाँ पर लिंक आ जाएगा ना। ये इसको पहले ज़रा खुलने दें, ये लोड हो रहा है आपका, स्क्रीन स्टक हो गई शायद मेरे पास आपकी। मेरे पास हो गया, दोबारा शेयर कर स्टाफ पर। एक्शंस में जाएं आप, ज़रा आप एक्शंस में जाके देखें, वो घूम रहा होगा गोल गोल, वो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। उसी पे कर रहा हूँ, वो लोड कर रहा है सर। अच्छा सारे तुम दिखाओ अपना स्क्रीन, तुम्हारे पास क्या इशू आया। अच्छा ये एक्शन आपका ना, देखें ये जी गोल गोल घूम रहा है ना, ये इसके कंप्लीट होने का इंतज़ार करें आप। ये जो गोल घूम रहा है ना पीले कलर का जो डॉट आ रहा है कहाँ पे आपके सर, ये पास, मेरे पास तो नहीं आ रहा। जी ये जी सर, आ रहा है ना, ये वन येलो मिनट कलर अगो का। करके आ रहा है। जी अच्छा ये कभी कभी ना फेल हो जाता है, बिला वजह जी भी फेल सर हो ये जाता है बात खुद ही। सही है, तो अगर किसी वजह से फेल हुआ होगा ठीक और इस है दफ़ा उस पर ग्रीन टिक लग जाए तो मतलब हो गया आपका मसला हल। अच्छा इसके पास भी यही आ रहा है, सारिब के पास। ठीक। मेरा बाकी हो गया जब ग्रीन टिक तरीकों अभी, को तो ग्रीन टिक लग गया मेरे पास, अभी स्क्रीन स्टक है तुम्हारी शायद, मेरे पास पीला ही दिख रहा है अभी भी। अच्छा ग्रीन टिक लग गया तो जाके देखो वो पेजेस में यूआरएल आ गया होगा। रिफ्रेश किया दोबारा से चेक करता हूँ। ग्रीन टिक जी लग सर गया है चेक ना अगर करता यहाँ पे, तो पेजेस में जाके देखोगे तो यूआरएल मिल जाएगा वहाँ पे। सर, यहाँ पे कट आ रहा है। मेरे पास ना मिल गया स्क्रीन, सर। मेरे पास स्क्रीन शायद स्टक है तुम लोगों की ना। यूआरएल मिल गया तुम्हें सारे, जी सर मिल गया यूआरएल। चलो सही है। अच्छा रिजवान आपका भी मसला हल हो गया। अभी तक हुआ नहीं है, पता नहीं वो
रिफ्रेश भी किया था। अच्छा वो अभी घूम रहा है, वो एक्शन में गोल गोल घूम रहा है अभी तक वो? वो अभी तक उसी तरह ही है, हाँ वो येलो तो कलर सम की। टाइम ना 5 मिनट लगा देता है वो, थोड़ा डिले हो जाता है सम टाइम उसमें। सर ये जो मैंने वो सोशल मीडिया वाला सर्वर पर बनाया हुआ था, हाँ तो हाँ जी जी सुन रहा हूँ, उसी में बोलें। इसको भी अपलोड कर सकता हूँ या अभी इसके लिए नया? मसलन जो सोशल मीडिया वाला मैंने बनाया हुआ था ना सर्वर, तो उसी के अंदर ही इस असाइनमेंट को भी मैं अपलोड कर सकता हूँ या उसके लिए अलग रखना हूँ अभी वो हरिको पे? सर मेरा देख लें। हरिको पे हर प्रोजेक्ट के लिए अलग ऐप बनेगी, सही है? हरिको पे जितने प्रोजेक्ट आप बनाएंगे ना, हर प्रोजेक्ट ठीक के लिए है अलग ऐप बनेगी। अच्छा हरिको पे ना 5 फ्री एप्लीकेशन होती है, उसके बाद वो मना कर देता है, तो कोई मसला नहीं है, एक दूसरा अकाउंट बना लें, ठीक सही है? 2 3 4 जितने ठीक अकाउंट, है सर क्योंकि गूगल का अकाउंट बनाना, जीमेल का जो वो होता है अकाउंट, वो क्रिएट करना, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। आप 10 12 15 अकाउंट क्रिएट कर ले करते जाएं, तो हर एक अकाउंट पे 5 5 एप्लीकेशन फ्री है उसकी। ठीक है सर, बन गया सर। अच्छा जिसका जिसका बन गया वो लिंक भेज दे। अच्छा एक और दोस्त कह रहे थे कि आपका सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा, कौन थे वो? हाँ सर मेरा भी एक इशू आ गया, मैंने ना पहले ना एक ही फाइल में की इंडेक्स फाइल एक ही बनी हुई थी, जिसमें मैंने दोनों फॉर्म बनाए, सही दोनों है फॉर्म जी। बना दिए, उसके ऊपर ऊपर साइन अप चल रहा था, नीचे लॉगिन चल रहा था, बिल्कुल नॉर्मल बैंक चल रहा था, और बल्कि उसकी जो फंक्शन वगैरह है ना वो भी उसी में थे। तो बाद में मैंने इसको स्टाइल करने के लिए अलग अलग करे पेजेस, दो HTML के पेज कर दिए, एक जावा सर्वर का तो अपना अलग ही था, दूसरा एक जावास्क्रिप्ट के लिए फंक्शन कर दिया, फोल्डर पेज बना दिया जिसमें सही है जावास्क्रिप्ट का काम रख दिया, मतलब अलहदा अलहदा कर दिया सबको। लेकिन जब अलहदा अलहदा किया ना, उसके बाद अब मेरे साथ ये मसला आ रहा है कि मैंने स्टाइलिंग वगैरह कर दी, तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ उसके बाद क्लास शुरू होने से थोड़ी देर पहले, तो उसमें एक मसला आ रहा है, सबमिट वाला काम सही चल रहा है लेकिन लॉगिन वाला है ना रिफ्रेश हो रहा है पेज, दिखाओ और मुझे, अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ अभी मुझे। लिंक मैंने सर सेंड की थी, आप इस पर देख चेक नहीं मुझे करें। ऐसे अपनी स्क्रीन शेयर करके अपने उस पर दिखाओ ना, अपने कंप्यूटर पे एक्सप्लेन भी तो करोगे ना इशू तुम। हाँ जी, तो चलें जल्दी, ठीक है, हाँ मैं भी दिखा रहा स्क्रीन शेयर करके ना मुझे एक्सप्लेन करो इशू, तो मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें उसका। अच्छा और कोई है जिसका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कहीं स्टक हो कोई, तो वो पहले ये मसले पहले देख लेते हैं ना, हम फिर एक एक करके सबका असाइनमेंट देखते हैं कि किसने क्या बनाया है। हेलो, जी मेरे पास पोर्ट का इशू आ रहा है, मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ जी करें करें। अच्छा ये आपका जो एरर है, ये ज़रा आता कब है, ये क्या क्लिक करने से ये एरर आता है? हाइड माइक, थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें, कोई मसला नहीं। साइन अप करने से? अच्छा अच्छा मुझे वो साइन अप करके करने दिखाएं, से आता रिफ़्रेश करें पेज, मुझे साइन अप का प्रोसेस करके दिखाएं। अच्छा, अब ये एरर का मैसेज मुझे ज़रा पढ़ने दें, क्या लिखा हुआ है इसने? इसने कहा एक्सेस टू XML HTTP रिक्वेस्ट एट HTTPS फ्रॉम ओरिजिन नल हैज़ बिन ब्लॉक्ड बाय क्रॉस ओरिजिन। सर मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, देखिएगा। हाँ आपके सर्वर में ना कोई एरर है, अपने सर्वर का आप लॉग मुझे दिखा सकती हैं, हरिको पे जो लॉग आया हुआ है? ये देखिए ना, आपकी सर्वर आपका क्रैश हो चुका है, सर्वर को रीस्टार्ट कीजिएगा एक दफ़ा।
से हाँ ये देखे ना, आपके पास जो सर्वर डॉट एम जे एस की फाइल है वो तो कह रहा मिल रही नहीं है मुझे। आपका कोड चल रहा ही नहीं है सर्वर पे, तो पहुंच गया है वहाँ पे लेकिन वो रन सही नहीं हो रहा। अपने आप सर्वर का कोड खोलें, आप वी एस कोड में यहाँ सर्वर की फाइल दिखाएं मुझे। हाँ पहले तो पैकेज डॉट जेसन बल्कि मुझे दिखाएं, आपने पैकेज डॉट जेसन में क्या लिखा है। पैकेज डॉट जेसन में ये देखें ना, आपने गलत लिखा है यहाँ पे लाइन नंबर 8 में जो आपने कोड लिखा है ना स्टार्ट की जो स्क्रिप्ट है उसमें आपने लिखना था नॉड स्पेस सर्वर डॉट जे एस सर्वर डॉट एम जे एस। ठीक है हाँ स्पेस हाँ ये अब सही हो गया ना आपका कोड। पहले आपके कोड में ये गड़बड़ थी इसलिए आपका कोड हरिको पे तो पहुंच गया था कोड आपका, लेकिन हरिको पे पहुंचने के बाद वो चल नहीं रहा था सही तरह। नहीं इसको रीस्टार्ट करने की तो ज़रूरत नहीं थी वैसे, चलें खैर कर दिया आपने तो ठीक है। अभी अभी रुक जाएं, अभी अभी ये चल रहा है। अब ज़रा एक्टिविटी पे क्लिक करें, देखें वो चल रहा होगा, एक गोल गोल घूम रहा होगा। ठीक है ना, ये हो गया कंप्लीट हो गया, ये गोल गोल घूम रहा था कंप्लीट हो गया ये। अब वापस जाएं, लॉग बैक का बटन दबा दें, लॉग्स पे चला जाएगा वापस, ये बैक का बटन दबा दें। अच्छा आपकी ना ऐप दोबारा क्रैश हो गई है, सही है, कह रहा है कि कैन नॉट एक्सेस ऐप बिफोर इनिशियलाइजेशन। लाइन नंबर 6 में आपके प्रॉब्लम है, सर्वर का जो कोड आपने लिखा है ना उसके लाइन नंबर 6 में प्रॉब्लम है। लाइन नंबर 6 दिखाएं क्या लिखा है आपने। अच्छा लाइन नंबर 6, हाँ ये देखें आपने ना एक ऐप का जो वेरिएबल है वो बनाया है लाइन नंबर 7 में, लेकिन आपने उसको इस्तेमाल किया हुआ है लाइन नंबर 6 में। ठीक है तो ये 7 वाली लाइन को कट करके ऊपर ले जाएं, लाइन नंबर 7 जो है ना इसको कट कर दें पूरे को और ऊपर ले जाएं इसको, बस ये मसला हल हो गया आपका। अच्छा अब एक मिनट, सर्वर पे उसको हरिको भी भेजने से पहले ना यहाँ ज़रा चला के देख लें कि कोई और भी एरर हो तो पता चल जाए आपको। टर्मिनल ओपन करें यहीं पर, टर्मिनल ओपन करें यहीं पर, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, सर्वर का जो कोड है वो रन करके देखना है आपको। हाँ टर्मिनल पर जाके npm start लिखें, अगर कोई और पे एरर होगा तो पता चल जाएगा आपको। अच्छा अब कोई एरर नहीं है, सर्वर को रोक दें दोबारा कंट्रोल सी करके, अब इसको पुश करें, अब इंशाल्लाह ये हरिको पे बिल्कुल सही चल जाएगा। यस वाई लिख के एंटर करें। क्या बात है, आप तो एक्सपर्ट हो गई हैं बिल्कुल कमिट पुश करने में। अच्छा इसको भी रिफ्रेश मत करें, इसको छोड़ दें ये खुद ही चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड स्टार्ट लिखा हुआ आएगा यहाँ पे थोड़ी देर में और फिर वो खुद ही चल जाएगा ये। हाँ एक्टिविटी में देखें वो घूम रहा होगा गोल गोल, अभी जो आपने पुश किया ना वो इधर घूम रहा होगा लोडिंग, ये देखें हो रहा है जस्ट नाउ, आपने अभी अभी कोड नया पुश किया तो वो उसको चला रहा है, चेक कर रहा है हर तरह से। सर देखिएगा
एक मिनट, ये अच्छा लैला आपका ये कोड अब चला के चेक करें, वो ख़त्म हो गया आपका एरर लॉगिन पे जो साइन अप पे आता था। एक एक करके ना मैं सबका एरर देखता हूँ, बेफिक्र हो जाए आप। अगर पूरी क्लास भी ख़त्म हो जाए ना ये एरर देखने में और सॉल्व करने में, तो मुझे खुशी होगी। कि देखिए मकसद आगे आगे पढ़ाना तो मकसद नहीं है ना यार, मकसद तो ये है, यह माशाल्लाह ज़बरदस्त क्रिएट हो गया इनका यूज़र, मसला हल हो गया, ठीक है। तो मकसद आगे आगे पढ़ाना नहीं है, मकसद ये है कि किसी के पास अगर प्रोग्रेस होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। तो मैं सब लोगों के एरर देखूंगा और इंशाल्लाह सबको बताऊंगा क्या कहाँ पे गलती है। अच्छा चलें, वेल डन। अच्छा ये ऑब्जेक्ट किस वजह से, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस वजह से आ रहा है कि आपने ना ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया है। ऑब्जेक्ट कभी भी स्क्रीन पर डायरेक्ट प्रिंट नहीं होता। मिसाल के तौर पर देखें, आपके पास जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है ना, इसके अंदर डॉट मैसेज है, तो आप डॉट मैसेज करके प्रिंट कराना होगा आपको, ठीक है। कल को इस ऑब्जेक्ट के अंदर और भी चीज़ें आएंगी, ठीक है। जाएं अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाएं, जो एचटीएमएल के साथ लगी हुई है, साइन अप के पेज, साइन अप का जो एचटीएमएल का पेज है। मैं अभी क्लास में हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ क्लास ख़त्म करके। ये आपने जो साइन अप का जो रिस्पांस है ना, उस पर जाएँ, एग्जियोस का जो रिस्पांस आया है लाइन नंबर 67 से नीचे जो देन है ना इसका। अच्छा पहली बात, आपका कोड फॉर्मेट नहीं है, ये गलती बहुत बड़ी आपने की है। राइट क्लिक करके ना फॉर्मेट का बटन दबाएं, राइट क्लिक करें कोड में और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का बटन दबाएं। ये कोड आपका बहुत आगे पीछे हुआ हुआ है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये इंडेंट हो गया कोड आपका, ठीक है, थोड़ा बेहतर हो जाता है देखने में इससे। अच्छा ये जो आपने प्रिंट करवाया ना देन में, इनर HTML में रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा ना ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट मैसेज आपको मिलता है सर्वर से, तो उस पर डॉट मैसेज लगाएं, फिर वो मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। अच्छा अब अगला इरफान सुल्तान जी, इरफान अब आप अपना मसला बता दें कि कहाँ पे आपको इशू आ रहा है। जी सर ये देखें, अच्छा कोड आपका बहुत छोटा हुआ है, थोड़ा कोड को जूम इन करना होगा आपको। जी सर कर देता हूँ। प्लस कंट्रोल प्लस, ठीक है सर। अब हाँ अच्छा, आप चलो बताओ कहाँ पे चलाने में कहाँ पे मसला आ रहा है। पहले तो ये बताओ फाइल, पहली वाली फाइल कौन सी थी और दूसरी फाइल कौन सी है, दोनों फाइलों का नाम बताओ। सर पहली फाइल ये, इसमें साइन अप का फॉर्म बनता है, साइन अप का फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। इसकी जावा स्क्रिप्ट कहाँ लगी हुई है, इसकी जावा स्क्रिप्ट दिखाओ। साइन अप अटैच हुई हुई है नीचे, नीचे अटैच हुई हुई है, कहाँ पे हुई हुई है नीचे, वो लॉग इन किए, मतलब मैंने दोनों की जावास्क्रिप्ट नहीं, जो इंडेक्स का, इंडेक्स का जी की जो फाइल है उसमें ये फाइल कहाँ अटैच की है तुमने, वो दिखाओ मुझे। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, हाँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाओ, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लिंक लगाया होगा ना, स्क्रिप्ट का टैग लगा के जावास्क्रिप्ट लिखी होगी, वो कहाँ है। अच्छा इस लाइन को कट करके बॉडी के आखिर में ले जाओ, सही है। पहला तो काम ये करो, यहाँ पे कभी भी ये सही काम नहीं करेगी, स्क्रिप्ट को हमेशा बॉडी के आखिर में लगाते हैं, हाँ बॉडी की आखिरी लाइन में पेस्ट। अच्छा अब यही चीज़ मुझे लॉगिन के पेज में दिखाओ, वहाँ पे किस में कनेक्ट किया हुआ है, वहाँ भी यही है, वहाँ भी नीचे कर दो उसको और चला कर देखो, ये मसला हल हो गया तुम्हारा इंशाल्लाह। अब इसको चला के देखो,
कॉन्सोल तो ओपन करो, एरर कैसे दिखेगा तुम्हें अगर आया तो? कॉन्सोल जो लॉग है ना वो सामने खुले हुए होने चाहिए हमेशा आपके। सर ये यूज़र तो बन गया, तो चल गया सही मतलब? नहीं सर, सर साइन अप का फंक्शन सही काम कर रहा है, लॉगिन वाला अच्छा, मसला कर रहा है। चलो फिर लॉगिन मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ, ये लॉगिन वाला आ गया। ये देखें रिफ्रेश हो रहा है यहाँ पे, क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे क्लिक करने के ईमेल पासवर्ड डालने के बाद जब हाँ। मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेज रिफ्रेश हो रहा अच्छा, है। अच्छा अच्छा मैं बता देता हूँ, देखो बता रहा हूँ सुनो, कंसोल के अंदर ये कोने में देख रहे हो सेटिंग का छोटा सा बटन बना हुआ है, ये वाला नहीं राइट हैंड पे, यहाँ नहीं नीचे वाला, नीचे वाला, ये नहीं नीचे वाला, इस पे क्लिक करो, ये प्रिजर्व लॉग जो लिखा हुआ आ रहा है ना इस पे चेक लगा दो, ये हो गया। अब ज़रा लॉगिन एक दफ़ा और चलाओ, अब देखो क्या होता है। ठीक है, ये प्रिजर्व लॉग क्या होता है, पेज रिफ्रेश भी हो जाए अगर तो प्रिजर्व लॉग आपके एरर का मैसेज लॉग पे शो करता रहता है। ओके सर, ये आपका एरर का मैसेज आ गया, सही है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल लाइन नंबर 44 index.js। आ जाओ लाइन नंबर 44 में क्या लिखा है तुमने, लाइन नंबर 44 में ये जो आपने एलिमेंट गेट किया है ना ईमेल के नाम से, वो ये कह रहा है ये तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिखाओ एक दफ़ा एरर का मैसेज, यही लिखा है इसमें, एरर का मैसेज एक दफ़ा और दिखाना। कैन नॉट गेट प्रॉपर्टी ऑफ नल डॉट वैल्यू, हाँ वो कह रहा है वो एलिमेंट नहीं मिल रहा मुझे, वो एलिमेंट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। गेट तो हुआ था सर यूज़र आप, नहीं लॉगिन पे ही एरर आ रहा है ना, लॉगिन पे। ये मुझे दिखाओ ज़रा ईमेल और पासवर्ड के नाम से तुम्हारे पास कौन सी, लॉगिन का पेज खोलो HTML, उस पर ये ईमेल और पासवर्ड के नाम से कौन सी फील्ड्स हैं तुम्हारे पास? अच्छा आईडी देखो ना चेंज है यहाँ पे, आईडी को सही करो, ये अभी मैंने की थी चेक करने। हाँ अब ये सही कर दी तुमने, अभी ये एरर ख़त्म हो जाएगा। अब कोई दूसरा इसको रिफ्रेश भी करो, पेज को रिफ्रेश करो, अब तुम्हें ये कोई दूसरा एरर देगा होपफुली, या तो ये सही चल जाएगा फिर। अच्छा ये डीबगर लगाया हुआ ना, ये प्ले कर दो, प्ले का बटन दबा दो ऊपर जो आ रहा है, डीबगर तुमने लगाया हुआ ये। अच्छा आया कोई एरर? अच्छा एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड, एक्सियोस मिल ही नहीं रहा इसको, जाओ वापस जाओ, लॉगिन के पेज के ऊपर एक्सियोस का लिंक नहीं लगाया हुआ है तुमने। ठीक है एक्सियोस का लिंक लगाओगे यहाँ पे, अब तुम इंडेक्स से कॉपी करके ले आओ, एक्सियोस का लिंक जो है वो टॉप पे लगेगा, सही है ये रहा। हाँ एक्सियोस का लिंक टॉप पे भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, मसला नहीं है। अब दोबारा चलाओ इसको, इसके लिए कोई आसान हल नहीं है? आसान हल क्या मतलब? मतलब कि हमें सर्वर बना बनाया मिल जाए। आसान होता तो फिर पैसे नहीं होते इसके। लेकिन देखें अब असल में बात ये है कि अभी तो आपने सीखा है ना, ये आप अभी सीख रहे हैं, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं ऐसी फ्यूचर में जिससे आपका काम फास्ट हो जाता है। ठीक है लेकिन अभी होनी चाहिए ना टेक्निक्स। हाँ और वो सबसे पहली टेक्निक ये है कि आप बने बनाए कोड रख लेते हैं बना के, जाओ कंसोल पे, सही हो गया, हो गया लॉगिन। ये जो कोड है ना बेसिक कोड, आप ये बॉयलर प्लेट कोड है। देखो लॉगिन हर ऐप में होता है, साइन अप हर ऐप में होता है। एक दफ़ा आपने अच्छा सा लॉगिन और साइन अप का पेज तैयार कर लिया सर्वर और डेटाबेस कनेक्ट करके, तो क्या दोबारा आपको बनाने की ज़रूरत है? वो नहीं है, लॉगिन साइन अप तो सबका एक ही होता है,
ठीक है। तो सबसे पहली टेक्निक तो ये मैंने आपको बता दी। अब जब आप आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे ना, जब तो आपको खुद ही ऑटोमेटिक ये इस तरह की चीज़ें पता चलती रहेंगी। जब आप कम्युनिटी में, अभी आप कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हैं, अभी आप जब आप काम करना शुरू करेंगे तो फिर आप कम्युनिटी का आहिस्ता आहिस्ता पार्ट बन जाएंगे। आपको डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, आप डिफरेंट क्लाइंट से जब काम करेंगे, ठीक है, तो आपको वो ऑटोमेटिक लोग नए आइडियाज़ देंगे, आप इधर उधर। अच्छा, अभी भी आप ना बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह आपके नज़र से गुजरती होंगी जो आपको आइडियाज़ इस तरह के देते होंगे, लेकिन वो आइडियाज़ अभी आप समझने के काबिल नहीं हैं, अभी आप जज नहीं कर पाते कि वो बात बोल के आ रहा है, ठीक है। तो फिर आप जब ये सीख जाएंगे ना, तो आप वो समझ जाएंगे, अच्छा यार ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक ये फुल स्टैक डेवलपर आपने बताया था, ठीक है। हाँ, अब वो कल मैंने एक और जगह पढ़ा कि फुल स्टैक डेवलपर क्या चीज है। फुल स्टैक का मतलब ये होता है कि कोई एक स्टैक, फुल नहीं फुल PULL फुल स्टैक डेवलपर। नहीं भाई, वो स्पेलिंग मिस्टेक। नीचे नहीं, नीचे से डिटेल लिखी थी कि मैं गूगल करके ना लोगों का कोड फुल करके अपने कोड में डाल लेता हूं। वाह, तो पुल स्टैक भी बन जाए अगर तो भी सही है, लेकिन देखो पॉइंट ये है कि किसी का मसला हल करना, मसले हल करने की बात है। किसी को अगर कोई ऐप बनवानी है, वो आप बना के अगर देने के काबिल हैं, तो चाहे आप फुल स्टैक हो चाहे आप पुल स्टैक हो, उससे क्लाइंट को फ़र्क नहीं पड़ता। क्लाइंट को उसका काम मिल रहा है ना अगर करके, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। वो बोलेगा यार करो, जहाँ से भी करना है चोरी करो, कहीं से भी। चोरी तो नहीं, खैर वो लाइसेंस किसी ने मुझसे, बल्कि आज सवाल पूछा था, जुनैद भाई ने पूछा था। जुनैद भाई हैं क्लास में? जुनैद भाई नहीं है मेरे ख्याल क्लास में। अच्छा, तो जुनैद सर ये देखिएगा तो, हाँ करो लॉगिन करो। तो जुनैद भाई मुझसे ये पूछ रहे थे कि यार हर लाइब्रेरी में ना जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर लाइसेंस लिखा हुआ आ रहा होता है, तो वो लाइसेंस क्या होता है और क्या मतलब उसका यूज़ क्या होता है लाइसेंस का? तो वो असल में कोई भी कोड लिखता है ना, जब जैसे मैं ये कोड जो लिख रहा हूँ और मैं लिख के गिटहब में पुश करता हूँ डेली, जो क्लास में मैं कोड लिखता हूँ, तो ये जो कोड है ये वैसे तो मैंने ओपन सोर्स किया हुआ है, लेकिन इसका एक लाइसेंस होता है। लाइसेंस एक होता है MIT लाइसेंस। चल गया, देखिए चल गया यार, वेल डन, ज़बरदस्त, गुड। सर लेकिन इसमें ना अभी भी एक मसला है, मैंने अभी जो लिंक सेंड की थी ना आपको, हाँ, तो उसमें मैं जब लॉगिन पेज पे आता हूँ अपने उससे, हाँ, साइन अप पेज से, यहाँ से, हाँ, यहाँ से जब मैं लॉगिन पेज पे आता हूँ तो इसमें मेरी CSS जो ये लगी हुई आपके सामने अभी, हाँ, ये उस पे शो नहीं हो रही। मैंने उस पे अभी चेक किया था अपनी लिंक से। इसको लाइव सर्वर पे चलाओ जरा, लाइव सर्वर पे अगर ये शो कर रहा है। मेरे कंप्यूटर में तो इशू नहीं कर रही, मैं लिंक की बात कर रहा हूँ, जैसे जो मैंने अभी GitHub की लिंक की सेंड की। नहीं, CSS तुम कह रहे हो नहीं लग रहा ना, तो लाइव सर्वर पर ज़रा चला के एक दफ़ा दिखाओ मुझे। अगर GitHub में नहीं आ रहा तो लाइव सर्वर में भी नहीं आना चाहिए फिर। अच्छा, चेक करते हैं, ये साइन अप फॉर्म आ गया, ये इस पे तो आ रही है सर। हाँ जाओ, इसमें आ रही है। अच्छा, मुझे GitHub वो मुझे ज़रा CSS की फाइल तुमने अटैच कैसे की है वो दिखा दो एक दफ़ा। अच्छा, इसमें डॉट स्लैश लगा दो मेन से पहले ना, डॉट स्लैश लगा दो, ठीक है। दूसरी फाइल में भी जाके ये डॉट स्लैश लगा दो। असल में वो GitHub वगैरह ना सर्वर जितने भी, ये सब लिनक्स का एनवायरनमेंट है, तो लिनक्स में ना ये डॉट स्लैश लगाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो पूरे URL को साथ उसको अटैच कर देता है, वो पूरा URL है उसके आगे लगा देता है ले जाके। और अब आप लिंक पे ही चेक कर लेंगे ये सही हुआ या नहीं। बस हो गया मसला हल हो गया। नहीं, उसमें तो GitHub पे दोबारा पुश करना पड़ा। हाँ, ये मसला तुम्हारा, यही मसला था, हल हो गया ये। अभी तुम पुश करोगे इंशाल्लाह ये सही चल जाएगा बिल्कुल। जी ठीक है सर। अच्छा भाई, और किसी का कोई एरर? हेलो सर जी, मेरे पास लॉगिन में दोबारा ये मसला आ रहा है, देख लें जी, दिखा दें। अच्छा, तो जुनैद भाई मुझसे पूछ रहे थे कि यार ये लाइसेंस क्या होता है। तो मैं जो भी कोड लिखता हूँ, मैं पुश कर रहा हूँ, वैसे तो वो ओपन सोर्स है, हर कोई उसको देख सकता है, तो क्या कोई उस कोड को प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकता है? ये लाइसेंसिंग का चक्कर है। तो एक होता है MIT लाइसेंस। MIT लाइसेंस में क्या होता है कि आपका जो कोड है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्रोडक्शन में किसी ऐप में लगा के भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसको अपने नाम से पब्लिश नहीं किया जा सकता। एक ये इशू है। तो MIT वाले जो जितने भी कोड हैं, अच्छा फिर एक है Apache 2.0, ये भी एक लाइसेंस है।
वो लिस्ट उसमें देखेंगे तो आ रहा होता है सारा। अपाची 2.0 में ये होता है कि जो मेरा कोड है वो कोई बंदा प्रोडक्शन में इस्तेमाल भी कर सकता है और उसको अपने नाम से पब्लिश भी कर सकता है बाद में, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके अपने नाम से पब्लिश कर दे तो कोई इशू नहीं है। तो ये लाइसेंसिंग का होता है। अब लाइसेंस जो बेसिक लाइसेंस है ना वो 4-5 तरह के हैं और आप खुद का भी बना सकते हैं, खुद भी आप लिख के लगा दें कि अच्छा यार मैं ये चीज़ अलाउ कर रहा हूँ ये नहीं कर रहा, ठीक है। तो अपाची 2.0 जो है वो सबसे बेस्ट लाइसेंस है, उस अपाची 2.0 वाले कोड को आप जो मर्ज़ी कर दें उसके साथ, उस कोई मसला नहीं है। तो ये लाइसेंस मैंने बता दिया। अच्छा, लाइन नंबर आपका जो 16 है उसके अंदर कह रहा है साइन अप इज़ नॉट डिफाइंड। लाइन नंबर 16 दिखाइएगा अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, लाइन नंबर 16 जावास्क्रिप्ट के अंदर। नहीं नहीं, लॉगिन के ऊपर जो जावास्क्रिप्ट, लॉगिन में इशू आ रहा है ना, ये इसकी जावास्क्रिप्ट कहाँ है इस फाइल की? हाँ ये नीचे। एक दफ़ा मुझे एरर का मैसेज दोबारा दिखाइएगा। ये कह रहा है कि लॉगिन डॉट एच टी एम एल में साइन अप नहीं बना हुआ। लॉगिन डॉट एच टी एम एल खोलिएगा, लॉगिन डॉट एच टी एम एल। अच्छा, इसमें साइन अप के नाम का फंक्शन वो कह रहा है बना हुआ ही नहीं है। स्क्रॉल करें नीचे, डाउन करें। हाँ ना, लॉगिन के नाम का ही बना हुआ है सर्विस में। तो ऊपर चलें, टॉप पे चलें, जहाँ पे वो बटन। अच्छा ये देखें ना, ऑन क्लिक पे आपने साइन अप क्यों लगाया हुआ है, इसमें तो लॉगिन होगा ना, लॉगिन का पेज है ये। तो लाइन नंबर 16 पे देखें आप, इसको लॉगिन करें ना। अच्छा बस ये सही हो गया आपका मसला। अच्छा, अगर और किसी का कोई इशू नहीं है देखने लायक तो हम अब चलते हैं लोगों के असाइनमेंट्स की तरफ। अच्छा भाई, तो सबसे पहले हम देखते हैं इरफान सुल्तान। सर, हड़ी कुकिंग मदद से सब काम होते हैं इस पर जगह जी। सॉरी, क्या कहा आपने आतिफ? हड़ी कुकिंग हेल्प से ही काम होता है सर्वर पे, सर्वर का काम हड़ी कुकिंग की मदद से ही होता है। हड़ी कुकिंग जो है वो क्लाउड है, ठीक है। हरिको एक क्लाउड है, आप अपना सर्वर किसी दूसरे क्लाउड में भी रखवा सकते हैं, जैसे गूगल क्लाउड है, ठीक है, जैसे AWS का क्लाउड है, जैसे वो ब्लू ओशियन के नाम से अभी एक बड़ा चल रहा है। लेकिन मसला इन सारों का ये है कि इन सब में और सस्ते हैं बहुत ही है। जो ब्लू ओशियन है वो बहुत सस्ता है, अमेज़ॉन भी बहुत सस्ता है, गूगल क्लाउड तो ऑलमोस्ट फ्री है, ठीक है। लेकिन मसला ये है वो उसमें क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है वो उसको एक्टिवेट करने के लिए। हरिको हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए होता, ठीक है, उन सब में क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है। अभी तो फ्री ट्रायल पे काम कर रहे हैं ना? हाँ, अभी हम फ्री ट्रायल पे कर रहे हैं, उसमें ट्रायल भी एक्टिवेट नहीं होता ना गूगल पे, गूगल क्लाउड में ट्रायल भी एक्टिवेट नहीं होता जब तक आप कार्ड अटैच नहीं कर देते। वो KYC का चक्कर है असल में, नो योर कस्टमर, कि कौन है बंदा जो ये डेमो यूज़ कर रहा है हमारा। अच्छा, तो इरफान सुल्तान का देखते हैं भाई। सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, लॉगिन सही है यार इनका तो, बल्कि अभी मैंने देख ही लिया है इरफान सुल्तान का, सही बनाया उन्होंने। नौमान वसीम, अब्दुल बासित अंसारी, इरफान सुल्तान, नौमान वसीम, मोहम्मद अली, तस्मिया हुसैन, हफ्जा मारिया, अक्सा फैसल, अच्छा वाह यार क्या बात है, नौमान वसीम, और ये लॉगिन आ गया इनका। अच्छा, मेरा ख्याल है सब में साइन अप करने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं ऐसे ही ज़रा पेजेस देख लेता हूँ सबके, किसी एक का किसी एक का हम चला के भी देख लेंगे। हफ्जा मारिया ये तो चल ही नहीं रहा। अच्छा, स्लैश साइन अप किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, ये चल गया इनका। इसको चला के देख लेते हैं। एक को हम चला के देख लेते हैं भाई। ये साइन अप तो हुआ लेकिन कोई पॉपअप, कोई मैसेज कुछ भी नहीं आया इसमें, ये क्या सीन है? एरर आ गया ये तो। अच्छा, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा हुआ आ रहा है, सही है ये भाई। यहाँ पे भी तो आना चाहिए ना। अच्छा, ईमेल मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ी सी, अगर
अच्छा यहाँ पे मैसेज अब आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, अब मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सही है, कोई इशू हो गया होगा। अच्छा और लॉगिन, लॉगिन सक्सेसफुल, सही है, बस इतना ही बनाना था। अच्छा हफ्ज़ा मारिया जो है वो इनका कोई प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, तो इनसे अगर बन गया। जी आपने ईमेल में वहाँ पे वन लगाया था, यहाँ वो पे मैंने वन भी लगाया था, ये वन लगा दिया, ये लो वन भी लगा दिया मैंने, वन लगा के भी चेक किया था। अब मैं टू लगाऊंगा तो फिर वो मना करना चाहिए इसको। ये लो सही है, नॉट फाउंड। ठीक है सर, ठीक है, मतलब सही बन गया इनसे तो। अगर भाई इनसे बन गया है तो फिर तो बाकी लोगों का तो कोई एक्सक्यूज़ होना ही नहीं चाहिए। तस्मिया हुसैन ये हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और साइन अप। अच्छा ये चेक भी लगाना पड़ेगा वायर, ये तो बिल्कुल असली बना दिया आपने, यूज़र इज़ क्रिएटेड। अब लॉगिन कर लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 लॉगिन, लॉगिन सक्सेसफुल। अगर मैं 5 भी लगा दूं साथ में तो अब लॉगिन इनकरेक्ट पासवर्ड। सही है यार, वेल डन। अच्छा ये डबल खुल गया है। अक्सा फैसल, इनका भी होपफुली चल रहा होगा, वेल डन यार, सब लोगों ने अच्छा बनाया है। अच्छा एम हमज़ा, अब्दुल बासित अंसारी, इनका भी चला के देख लेते हैं रैंडमली ना, एक दो लोगों का चला के देखते हैं, बाकियों का हम क्रिएट अकाउंट। वाओ गुड, सही है यार, लोड नहीं होगा है, फॉर्म चेंज करते हैं, पेज लोड नहीं हो। सही, नेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेज लोड नहीं होगा। ये मैं बात नहीं समझा, साइन अप के ऊपर क्लिक करें, हाँ पेज रिलोड नहीं हुआ। ओह अच्छा, एक पेज से दूसरे पेज पे जब जाता है तो ये पेज रिलोड नहीं होता, ये कैसे जी किया जी। तुमने ये कैसे किया तुमने? सर ये जावास्क्रिप्ट की कोई ट्रिक लगाई है, रिएक्ट वगैरह नहीं है, बस जावास्क्रिप्ट की ट्रिक लगाई है। सही है, अच्छा फॉर्म हाइड किया है, हाँ मोस्ट प्रॉब्ली तुमने दो फॉर्म बनाए हुए होंगे और साइन अप के क्लिक पे तुमने एक फॉर्म हाइड करके दूसरा शो करवा दिया। जी जी वेल डन यार, बड़ा अच्छा किया तुमने, लॉगिन सक्सेसफुल भी हो गया तुम्हारा, गुड यार। अच्छा नोमान वसीम ने भी बनाया है, अच्छा बनाया है। अच्छा और हम, मेरा ख्याल है बस सही है, काफ़ी देख लिया हमने, गुड यार वेल डन, आज अच्छा लग रहा है। और एक एक दो और लोगों ने भी भेजा है अभी, अनम शब्बीर रजवान तुर्क। एक सवाल, ये छोटा सा फारी को बताना। जी फारी ही हूँ मैं, तो सवाल का जवाब देने तो बैठा हूँ, बताएं सर। फ्रंट एंड तो हमने पढ़ लिया, तो उसके अंदर एसईओ जो है वो फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है, उसके लिए अलग बंदे होते हैं यार। एसईओ जो है ना वो, इसका ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, इसका भी मैं अगर सही वाला जवाब दूँ ना तो शायद आप बोलें कि यार ये क्या बात कर दी सर ने। यार SEO जो है ना कोई चीज़ ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती SEO, सही है। तो आप बोलेंगे सर ये आपने क्या बात कर दी, देखो SEO एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई चीज़ ही नहीं है SEO। SEO क्या है, मेरे तो समझ में नहीं आता कि SEO, लोगों ने पूरे पूरे कोर्स बनाए हुए SEO के, मेरे समझ में नहीं आता वो क्या पढ़ाते हैं उसके अंदर। देखो SEO जो होता है ना, जैसे अभी मैं कल परसों बैठा हुआ, कोई मेरे नज़र से गुजरी कि YouTube की SEO, किसी ने मुझे कहा कि वो सर आपकी तो YouTube में वीडियो इतनी सारी है लेकिन आप ना औसाफ इकबाल, ये कोई है यार, ग्रुप में ज़रा WhatsApp में मैसेज मार दीजिएगा कि इनको पहले इनको यस करना होगा ईमेल में जाके, फिर ये अंदर आ सकते हैं क्लास के। अच्छा तो उसने मुझे वो वीडियो भेजी किसी ने कि सर ये वीडियो देख लें, इससे YouTube की ना SEO कैसे होती है वो आपको पता चल जाएगी। अब वो उसमें क्या बता रहा है YouTube की SEO में, कि आपने डिस्क्रिप्शन में आपके एक टैग होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन आपकी नाम, यानी दो वर्ड का डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कम से कम 6-7 वर्ड का होना चाहिए, फिर टाइटल आपका कम से कम 4-5 वर्ड्स का होना चाहिए, फिर वो कह रहे हैं कि उसमें टैग्स लगाओ आप, समझ रहे हैं आप,
अच्छा वो फिर स्कोर बढ़ाता है उसका, वो एक टूल उन्होंने बताया था वीडियो में कि ये टूल आप इंस्टॉल करेंगे तो वो स्कोर क्या बढ़ाएगा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। वो जस्ट ये चेक कर रहा है कि वीडियो के ऊपर थंबनेल कोई लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। वो जस्ट आपको ये रिमाइंड करवाता है कि ये चीज़ें आपने लगानी है, क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो जाहिर है आपकी वीडियो को इंडेक्स कैसे करेगा, ठीक है, आपकी वीडियो को इंडेक्स वो आपके टाइटल से ही करेगा ना, आपके टैग से करेगा। तो ये SEO ये चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे अब जो वेबसाइट के अंदर SEO जो होते हैं, SEO जो वेबसाइट के अंदर होती है उसमें एक मार्कअप होता है, जस्ट एक मार्कअप होता है जो टॉप पे लगा हुआ होता है HTML फाइल के, वो एक ही मार्कअप होता है। अब उस मेटा के टैग्स कहलाते हैं वो, ठीक है, मेटा के टैग्स। अब उसमें होता ये कि अगर कोई बंदा, जैसे WhatsApp पे जाके मैंने पेस्ट किया लिंक, कोई वेबसाइट है उसका मैंने WhatsApp पे पेस्ट किया लिंक, तो वो जो टैग होता है ना, मेटा के टैग्स होते हैं जो, वहाँ पे वो पिक्चर होती है, वो पिक्चर उठा के लाता है और वहाँ से दो लाइन का वहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता है वो उठ के आता है, सही है। तो वो एक टैग होता है जस्ट, और तो कुछ भी नहीं होता वो। अब इसके लिए अलग लोग होना, ये अब देखो हो सकता है कुछ कंपनीज ऐसी हों जिनके लिए ये बहुत बड़ा काम हो ये करना, ठीक है, लेकिन आम तौर पे ये वेब डेवलपर का ही काम होता है कि वो ये चीज़ें करके दे पहले से ही, ठीक है। तो हो सकता है कोई बड़ी कंपनीज होती हो, उन्होंने अलग से डिपार्टमेंट रखा हुआ इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि सब जगहों पे वो टैग प्रेजेंट हैं, ये चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हो सकता है रखा हुआ कंपनी ने, डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हों। लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं आमतौर पर, या जो वेब डेवलपर को टास्क मिलता है उसका, तो ये काम होता है कि वो ये सारी चीज़ें लगा के दे, ठीक है। अच्छा, और ये सीखना कोई बहुत बड़ी तुर्रम खानी की बात भी नहीं है। आप एक यूट्यूब की वीडियो देखेंगे SEO से मुतालिक, वो 15 मिनट की वीडियो में ना आपको ईच एंड एवरीथिंग सब बता देगा। अच्छा, फिर कुछ होते हैं दो नंबर तरीके, कुछ होते हैं दो नंबर तरीके SEO करने के। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ये करते हैं कि अपनी SEO के अंदर ना, जैसे आप वेबसाइट आपकी कौन इंडेक्स करता है, गूगल करता है, तो गूगल पे ऊपर आ रही है तो मतलब आपकी अच्छी सर्च इंजन पे अच्छा आपका इंडेक्स बना हुआ है। लोग क्या करते हैं, जैसे हॉस्पिटल की वेबसाइट है, अब वो चाहते हैं हॉस्पिटल लिखे ना तो पहले नंबर पे आए, वो अंदर जाके H1 में ना, H1 की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है, वो H1 बना देते हैं अंदर, उसमें बड़ा सा लिख देते हैं हॉस्पिटल, और उसको CSS के ज़रिए ना हाइड कर देते हैं, और हज़ारों लाखों की तादाद में ना अंदर वो हॉस्पिटल 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 वो H1 में लिखा हुआ है। तो ये दो नंबर तरीके भी बहुत लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है इसका करने का। अगर वक्ती तौर पे ये काम कर भी रहे ना आपका, तो वो गूगल अपना अपडेट कर देगा थोड़े दिनों में, वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो जो ऑफिशियल तरीके हैं वो एक ही टैग है बस, HTML के टैग्स होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखूँगा ना SEO टैग, वैसे तो SEO टैग नाम नहीं होता उसका, उसका नाम कुछ और होता है। ये आ गया 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट HTML टैग्स फॉर SEO, ठीक है। ये 8 ऐसे टैग्स हैं, देखो एक टाइटल का टैग है, टाइटल का टैग तो पहले से लगा हुआ होता है ना, मुझे कोड खोलने दो। जब हम कोड लिखते हैं तो क्या खोल दिया मैंने, अब ये एक HTML का जो बेसिक लिखा हुआ होता है इसमें टाइटल का टैग तो पहले से होता है, तो ये SEO का टैग है बकौल इनके, ठीक है, ये टाइटल उठा के ला रहा है सारा ये। उसके अलावा ये कह रहा है कि भाई HTML का जो कोड है ना आपका, क्या कहते हैं, वो बड़ा मैटर करता है कि वो कैसे आपने लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक मेटा का टैग उसके अंदर लगा हुआ है आपका, ये HTML कोड पता नहीं क्या है इसने लिखा, ये मेरे समझ में नहीं आया। बहरहाल सर यही पूछना था, ये जो यूट्यूबर्स भी होते हैं ज़्यादातर यही बोलते हैं कि ना HTML का कोड मतलब ढंग से लिखो, मतलब क्या उसके अंदर, मतलब जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे ना, या उसकी कोई अलग टेक्निक हो? हाँ देखो इसने क्या लिखा है, HTML कोड इज़ अ बिट ऑफ कोड रिट्रीवल फ्रॉम BBC आर्टिकल ऑन कोरोना वायरस स्टेटिकली यू कैन सी प्रॉपरली सेटअप टाइटल सेटिंग राइट ऑन द टॉप ऑन द, कह रहा है कि भाई जैसा आप टाइटल यहाँ लिखोगे ना ये वैसा ही उठ के आएगा यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये एग्जैक्टली वैसा ही उठ के आएगा, ये बता रहा है, कह रहा है। तो HTML कोड ही आ रहा होता है, कहने का मकसद ये है इसके, ठीक है। फिर उसके बाद मेटा की डिस्क्रिप्शन है, मेटा की डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे शो हो रही होती है गूगल के सर्च के ऊपर, ठीक है। मेटा की डिस्क्रिप्शन कैसे लगती है, मेटा का टैग होता है वो, इन्होंने नीचे बताया हुआ होगा शायद, ठीक है। ये मेटा का टैग आ गया, ठीक है। मेटा नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट में दो लाइन लिखी हुई है, वही गूगल पे शो होती है दो लाइनें, ठीक हो गया। फिर H1 से लेके H6 तक की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, H1 में जो टॉपिक, जिस टॉपिक पे वेबसाइट वो है वो H1 में या हेडिंग उसकी होनी चाहिए उस नाम से, ठीक है। जैसे टू इटली हैज़ द मोस्ट रिकॉर्डेड कॉजेज आउटसाइड ऑफ चाइना, पता नहीं जो भी है केसेस, ठीक है। ये देखो H2 करके ऐसे इसने लगाया हुआ है।
फिर इमेज के अंदर अल्टरनेट टेक्स्ट होना चाहिए, यही है सीईओ, वो एसईओ। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसका पूरा अलग से कोर्स हो या जिसके लिए कोई अलग बंदा रखा जाए। बेवकूफ़ी की बात है कि एसईओ का आप जॉब। जी सर, वो ब्राउज़र भी जो है उसके अंदर बताता है कि मतलब ये आपने किया हुआ इसलिए जो है ना एसईओ पूरा नहीं 100% हो जाता है, बस उतना ही है ना। जस्ट मैं बस ये करना चाह रहा हूँ। ये इन्होंने देखो कोई टूल भी बताया है, वेबसाइट ऑडिटर। अब ये वेबसाइट ऑडिटर क्या करेगा, वो टैग चेक करेगा कि आया कि वो टैग प्रेजेंट है या नहीं है। एक सोशल मीडिया का भी एक टैग होता है, अभी वो भी आ जाएगा नीचे। स्कीमा मार्कअप एक तो ये हो गया ना, एक सोशल मीडिया का भी एक ऊपर मार्कअप होता है जो जब आप कहीं पेस्ट करेंगे ना लिंक, तो वहाँ पे वो उठा के लाता है उसको। इसमें वो उन्होंने डिस्कस नहीं किया। वेल, वो लिस्ट ऑफ एसईओ टैग्स लिखोगे ना तो वो तुम्हें मिल जाएगा। अस्सलाम जी सर, आवाज़ आ रही मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज़। सर एक सर्वर के ऊपर मैं थोड़ा एरर में आ गया हूँ, मेरे पास एरर आ रहा है, एरर मॉडल नॉट फाउंड। अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दो। अच्छा, इसका कोई प्रॉपर आर्टिकल मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा, इसका कोई प्रॉपर आर्टिकल मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा। वेल, ये वाले में भी इन्होंने सारे लिस्ट की जिक्र किया हुआ है कि कौन कौन से पॉसिबल मेटा के टैग्स हो सकते हैं। अच्छा जी जुनेद भाई, अब आपकी स्क्रीन देख रहा हूँ मैं। एरर मॉड्यूल कोर्स आपने इंस्टॉल नहीं किया ना, इसलिए एरर आ रही है। जाएँ कोड में जाएँ, इंस्टॉल किया हुआ है? नहीं, आपने किया ना, जब तो ये एरर दे रहा है, वरना क्यों देगा ये। अच्छा, फुल करें इसको, मैक्सिमाइज करें। पैकेज डॉट जेसन की फाइल दिखाइएगा मुझे, स्क्रॉल करें। यहाँ पर डिपेंडेंसीज तो है ही नहीं, गायब है। अब करें इंस्टॉल करें आप। अच्छा, एक्स ऊपर आ रहा है, टॉप पे आ रहा है। ये डिपेंडेंसी में ना कोर्स भी आना चाहिए। अब लिखें आप npm i course, ये खुद ही आ जाएगा इसमें, आप देखिएगा। सर ये देखें, यही अभी थोड़ी देर पहले वापस करने। ये आप सही फोल्डर में खड़े हैं ना, देखे ना आ गया वो, अब हुआ इंस्टॉल। ये अब इसको पुश करते हैं दोबारा से कोड पूरा। कमिट पहले करना होगा आपको, सिंक। ये आपका मसला हल हो गया। अब कोई दूसरा एरर आएगा तो फिर वो बता दीजिएगा, वो भी देख लेंगे। ओके सर, थैंक यू। अच्छा तो भाइयों, मेरी स्क्रीन दोबारा से शेयर हो गई है सब लोगों के पास। अच्छा, ये मैंने कोड ओपन कर लिया। अच्छा, इसमें मैंने लॉगिन का पेज नहीं बना के दिखाया था ना अभी तक। चलो वैसे तो लॉगिन तुम लोगों ने सबने बना ही लिया, तो उसकी ज़रूरत नहीं है बनाने की। तो अब इसको हम बंद कर देते हैं और अब हम शुरू करते हैं। सर एक टेस्ट ले लें आप सबका, टेस्ट मिसाल के तौर पे ऐसे ही क्वेश्चन करते जाए ताकि सब। नहीं, वो कोड कोड लिखा हुआ है तो बस सही है ना, अभी क्वेश्चन पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोड लिखना आना चाहिए, असल तो मकसद कोड लिखना है। तो माशाल्लाह सबने तकरीबन बना लिया ये। अच्छा तो अब हम ज़रा एक नज़र मार लेता हूँ मैं कि एक्सप्रेस में कोई ऐसी चीज़ रह तो नहीं गई। एक्सप्रेस कोर्स कोर्स नैनो आईडी भी हमने देख लिया, हमने ये जेसन भी देख लिया, पोर्ट हमने देख लिया। ओके ओके ओके, गॉट इट। अच्छा सही है, एक्सप्रेस में चीज़ें हो गई हैं सारी हमारी।
अच्छा अब मैं बना लेता हूँ एक अदद नया फोल्डर, जिसका मैं नाम रख देता हूँ, क्या नाम रख देता हूँ पहले, 7 विद डेटाबेस, ठीक है, विद डेटाबेस मैंने कर दिया। अच्छा और इसकी इंडेक्स तो वही रहेगा, इसका सर्वर चेंज होगा जस्ट, ठीक है, ये वही सर्वर है साइनअप का जो हमने लास्ट लिखा था, बस ये जो यूज़र बेस है ना ये मैंने हटाना है अब इसके अंदर से, ये हटा के मैंने डेटाबेस अटैच करना है। अच्छा तो डेटाबेस को अटैच करने के लिए सबसे पहले मुझे एक अदद लाइब्रेरी चाहिए होगी डेटाबेस को अटैच करने के लिए, ठीक है, तो हम जो लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है मोंगोस नाम है उसका, ठीक है, ये लाइब्रेरी हम इस्तेमाल करने लगे हैं। अच्छा मैं इसके अंदर चला गया मोंगोस के अंदर। अच्छा मोंगोस में जैसे ही मैं गया तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है कि मोंगोस को इंस्टॉल करना नहीं बताया हुआ इन्होंने। सर मोंगोस डीबी इंस्टॉल भी कर लिया मैंने, रीड द डॉक्यूमेंट से काम किया फिलहाल। अच्छा वेल डन यार। मोंगोस कहाँ चला गया इसका क्विक स्टार्ट, ये रहा क्विक स्टार्ट। हाँ तो यहाँ पे इन्होंने देखें बताया है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये मैंने कॉपी कर ली npm i mongos, और मैं अपने इस प्रोजेक्ट में आके जो मेरा प्रोजेक्ट है क्या नाम है उसका 03 cd7 और ये अंदर सही है, ये मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आ गया जो अभी मैंने ओपन किया हुआ है, एक्सप्रेस लॉगिन और साइन अप विथ डेटाबेस, ये मैंने लगा लिया इसके अंदर। यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, मोंगोस को इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो वो कमांड मैंने जो कॉपी की थी वो पेस्ट कर दी मैंने, ये इंस्टॉल हो गया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जब इंस्टॉल होता है उसकी पहचान क्या है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर ना ये ऐड हो जाता है, यहाँ पे डिपेंडेंसीज कहाँ गई इसकी, ये रहा डिपेंडेंसीज में ना ये ऐड हो जाता है, अभी यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, अभी हो जाएगा ऐड थोड़ी देर में, ये हो गया ऐड देखें, ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें आपने इंस्टॉल की हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं, अगर यहाँ पे नहीं आ रही होगी तो वो फिर हरीको पे जाके मसला करेगा। अच्छा अगला काम क्या करना है, अगला काम मुझे ये करना है, इसको मैंने अपने प्रोजेक्ट में क्या करना है, ऐड करना है। अच्छा तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ कमांड, मैं यहाँ जाके ऐड कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये मुझे एरर देगा, अब ये मुझे एरर ये देगा कि भाई ये रिक्वायर जो है ना ये हो गया पुराना, ये नहीं चलेगा अब, देखो npm स्टार्ट करूँगा ना ये रिक्वायर पे एरर देगा, तो मैं इस रिक्वायर को क्या कर लूँगा, कन्वर्ट कर लूँगा, मैं किस में कन्वर्ट कर लूँगा, इम्पोर्ट वाले में, ठीक है, कोई इतना मुश्किल तो है नहीं, वो आप सब लोगों को पता चल ही गया अब। इम्पोर्ट ये मैंने क्या किया, ठीक है, इम्पोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस, ये मैंने इम्पोर्ट कर लिया, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में पुराना वाला तरीका बताया हुआ है, लेकिन हम जो है उसको नए में कन्वर्ट करके पढ़ रहे हैं, हमने जावास्क्रिप्ट की बुक भी इसी तरह पढ़ी थी, जावास्क्रिप्ट बुक पुराने तरीके पे लिखी हुई लेकिन हमने नया उसमें कन्वर्ट करके सीखा था। अच्छा उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे कनेक्ट करना है, वो अभी यूज़ नहीं हो रहा ना कहीं, वो यूज़ नहीं हो रहा इसलिए वो डिम हुआ हुआ है, वो कह रहा है भाई यूज़ ही नहीं किया आपने इसको कहीं पर इसलिए। अच्छा अब मुझे क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है, मोंगोस को क्या करना है, कनेक्ट करना है मैंने, तो मैं यहाँ पे आके ना पहली ही लाइन में बोलूँगा मोंगोस डॉट कनेक्ट। अच्छा मोंगोस डॉट कनेक्ट में ना यहाँ देखें लोकल डेटाबेस का यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, एक ऐसे डेटाबेस का लिंक लगा हुआ है जो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरे पास इस कंप्यूटर में MongoDB इंस्टॉल नहीं है, ना हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, हम अपनी मशीन में MongoDB इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम क्लाउड पे जाके MongoDB क्रिएट करेंगे और वो हम कनेक्ट करेंगे अपने पास, ठीक है। इसको मैं npm run dev कर देता हूँ ताकि ये चलता भी जाए ना, तो कोई एरर आएगा तो मुझे फ़ौरन पता चलता चला जाएगा। तो मैं अब जाऊँगा, ये तो मैं हटा दूँगा इसको डिलीट, अब मैं जाऊँगा कहाँ पर, MongoDB क्लाउड में जाऊँगा, मैं वहाँ पर जाके एक अदद अकाउंट बनाऊँगा, मैं MongoDB क्लाउड पे अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है, और 500 MB का जो डेटाबेस है वो आपको फ्री मिलता है यहाँ पे। साइन इन मेरा चूंकि पहले से इस पे अकाउंट बना हुआ है तो मैंने क्या किया, साइन इन, आप सब लोग लेकिन अकाउंट क्रिएट करेंगे,
सही। जी कुछ कहना चाह रहे हैं दोस्त? होता है कोई? आपकी आवाज कट गई, दोबारा प्लीज पूछिएगा। ये कोई सर्वर होता है? ये डेटाबेस पहले से क्लाउड डेटाबेस है। ये डेटाबेस कोई सर्वर होता है क्या? देखें डेटाबेस भी एक कंप्यूटर होता है, कहीं किसी जगह पे रखा हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर डेटाबेस स्टोर हुआ हुआ होता है। ठीक है, डेटा सारा ना उसके अंदर जा रहा होता है आपके। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, आके ना इसमें सब चीज़ें डिलीट कर देता हूँ इसमें से। अच्छा ये एक इंटरफेस खुला है, काफ़ी टिपिकल सा इंटरफेस है ये, राइट। इसके अंदर ना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वक्त सिसबॉर्ग लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप जब शुरू करेंगे आप तो पहले ही आपसे ये सवालात पूछ लेगा। उसमें बना हुआ है प्रोजेक्ट ज़ीरो, ठीक है। उसके अंदर क्या बना हुआ है? प्रोजेक्ट ज़ीरो। और प्रोजेक्ट ज़ीरो के अंदर क्या बना हुआ है? एक अदद क्लस्टर ज़ीरो बना हुआ है, ठीक है। आप एक से ज़्यादा क्लस्टर भी इसमें बना सकते हैं, राइट। एक से ज़्यादा क्लस्टर बनाना भी अलाउ है आपको, ठीक है। तो ये मेरा पहले से क्लस्टर बना हुआ है, तो पहले तो मैं ये देख लूँ इस क्लस्टर में कोई डेटा तो नहीं है, तो फिर मैं इसको डिलीट करके ना नया क्लस्टर बनाऊँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे बनता है, कैसे शुरू होता है। ये क्लस्टर क्या होता है? घी का डब्बा। क्लस्टर जो होता है वो गुच्छे को बोलते हैं अंग्रेज़ी में। क्लस्टर जो है वो किसी भी गुच्छे को बोलते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, उसमें बहुत सारे अंगूर लगे हुए होते हैं एक साथ, तो दैट इज़ अ क्लस्टर। एक क्लस्टर बॉम्ब भी होता है। एक कंटेनर समझते हैं हमें हाँ, एक क्लस्टर बॉम्ब होता है। क्लस्टर बॉम्ब क्या होता है पता है? दिखा देता हूँ। क्लस्टर बॉम्ब जो होता है ना, उसमें बड़ा बॉम्ब होता है एक, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे बॉम्ब होते हैं, ये देख रहे हो। ये जब बम गिरता है ना तो ये फटता नहीं है, ये देख रहे हो, इस तरह ये ओपन होता है। हाँ, इस तरह ये ओपन हो जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, और अब डिफरेंट इसमें देखिए, देख रहे हो पूरी टंकी है ये। ये क्लस्टर बॉम्ब जो होता है वो टंकी होती है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। एजेंसी के साथ वर्क तो नहीं किया कभी? नहीं, ये तो हमारे माशाल्लाह कराची में रहे हैं हम, तो क्लस्टर बम और पता नहीं वो लियारी में कौन से फेंकते थे वो बम, वो ग्रेनेड, ग्रेनेड नहीं एक और होता है वो रॉकेट लॉन्चर, नहीं नहीं वो एक और बम है, वो फेंक के चले जाते थे, बड़ा फैंसी सा उसका नाम है। वो कराची में रहने की बरकत है ये। देसी कटन है, देसी कुछ होता है उसका, कोई नाम था देसी शेल। अभी तो बहुत है, कितने आए लोग मेरी आवाज। खैर, तो बाकी ये इराक़ वगैरह में, ईरान में ये जो अक्सर ये क्लस्टर बम का न्यूज़ पे भी आता रहता है। मेरी असल में आदत ये है कि मैं कोई भी वर्ड सुनता हूँ ना, कोई भी वर्ड जब मैं सुनता हूँ तो वो क्यूरियोसिटी होती है मुझे कि इसका मतलब होगा क्या आखिर, तो मैं इसलिए सर्च कर लेता हूँ, इसलिए मुझे चीज़ें पता है इतनी। अबे खुल जा सिमसिम भाई, क्या कब से ये कर रहा है लोडिंग। असल में ये डेटाबेस काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं हुआ था तो ये ठंडा हो गया है। ब्राउज कलेक्शन, इसमें 500 MB जो है एक प्रोजेक्ट के लिए या पूरे अकाउंट के लिए? ये 500 MB का डेटाबेस है, आप जितने मर्जी इसमें प्रोजेक्ट कनेक्ट करते चले जाएं, कोई मसला नहीं है। मतलब मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ, ये मैं आपको समझा देता हूँ डेटाबेस कैसे कनेक्ट हुआ बहुत है। ये डेटाबेस में क्लस्टर का क्या मतलब है? असल में क्लस्टर ज़ीरो है ये, ठीक है। क्लस्टर ज़ीरो का मतलब है कि ये सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्लस्टर को लेकर, अभी ये भी बताता हूँ, सबर सबर, सही है। अच्छा, ये हमारा है क्लाइंट और ये है हमारा सर्वर, सही है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब ये जो सर्वर है ना, जब इसके बाद डेटा आता है तो ये सर्वर क्या करता है, ये एक डेटाबेस है यहाँ पे MongoDB क्लाउड में पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो है ना ये क्या कर देता है, डेटा को जाके स्टोर कर देता है, ठीक है, ये सर्वर। अच्छा, अब इसी तरह का आपके पास ना कोई और भी एप्लीकेशन है, आपके पास क्या है, कोई और भी एप्लीकेशन है, कॉपी किया मैंने उसको, पेस्ट किया,
अब ये कोई और एप्लीकेशन है आपकी, तो आप अगर चाहें तो ये सर्वर भी ना इसी डेटाबेस में डेटा डाल सकता है। टेबल का नाम अलग होगा जाहिर है, ठीक है, टेबल का नाम अलग होगा इसका, लेकिन वो आप कितने भी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं एक डेटाबेस के साथ, ये मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर ऐसा करते हैं, अगर एमबी पूरे हो गए तो फिर एमबी पूरे हो गए फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा उसको, अपग्रेड करना पड़ेगा, पैसे मांगेगा। ये प्राइसिंग भी दिखा देता हूँ इसकी, प्राइसिंग 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 कहाँ है भाई, व्यू प्लान जीरो। सर जैसे हीरोको का क्लाउड का सर्वर जो है कभी कभार क्रैश हो जाता है, वैसे ये भी क्रैश हो सकता ये है, क्रैश तो क्लाउड है। नहीं ये क्रैश नहीं होता, ये डेटाबेस है, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है लेकिन ये क्रैश नहीं होता। अच्छा ये देखो, ये फ्री है एक्सेस, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना जो भी आपको चीज़ें मिलती हैं वो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा उसके बाद इनका जो प्लान है ना यार, इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने जीबी के कितने पैसे हैं, ये इनको बताना चाहिए ना। डेवलपमेंट रेडी, प्रोडक्शन रेडी, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कितने पैसों वाला, कितने जीबी का डेटाबेस है ये। इसमें मोर पे क्लिक करते हैं, हाँ ये आया ना असली, लेकिन इसमें भी वो बात तो नहीं लिखी हुई इन्होंने, इसमें भी इन्होंने असली जब आएगा जब हम खरीद लेंगे। हाँ नहीं होगा तो कहीं छुपा के लिखा हुआ होगा, कहीं छुपा के लिखा हुआ होगा इन्होंने। अच्छा बाय फ्लेक्स कंसल्टिंग, यहाँ पे ये बता रहा होगा कि कितने जीबी का क्या चक्कर है। सर यहाँ पे स्टार्ट 3 डे फ्री ट्रायल का है, 30 दिन नहीं, वो भाई हमें ट्रायल स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम फ्री वाले पे ही करेंगे और सारा काम हमारा फ्री पे हो जाएगा। भाई फ्री एप्लीकेशन पर मैंने प्रोडक्शन में ऐप्स चलाई हैं, चल जाती हैं। 500 MB का, 500 MB इतना बड़ा साइज़ होता है डेटाबेस का कि अगर एक एप्लीकेशन है ना प्रॉपर चल रही है उस पर 4-5 हज़ार यूज़र डेली बेसिस पे आ रहे हैं तो 4-5 साल में जाके ख़त्म होता है ये 500 MB अगर ढंग से डेटाबेस बहुत है ये। तो भाई स्मॉल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, मीडियम जिस पे 4-5 हज़ार कस्टमर आता है डेली। अच्छा मीडिया उसके अंदर इमेज और वीडियो भी अगर अपलोड करेंगे तो भर नहीं जाएगा 500 MB? नहीं इमेज और इसमें ये तो डलता ही है ना डेटाबेस में, इमेज और मीडिया के लिए स्टोरेज बकेट्स होते हैं वो और सस्ते होते हैं। आपको गूगल जो है वो स्टोरेज बकेट देता है, जो वो 10 GB तो फ्री देता है आपको, 10 GB तक के कोई पैसे नहीं है, उसके आगे फिर पैसे होते हैं। इसका मतलब सर इसमें सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड डेटा होता है, इसमें सिर्फ यस यस इसमें टेक्स बेस्ड डेटा होगा, और ना सिर्फ टेक्स बेस होगा इसमें सिर्फ वो वाला टेक्स बेस्ड डेटा होगा जिस पे आप क्वेरी रन करेंगे, जिसको आप तलाश करेंगे कल को बाद में, ठीक है। सिर्फ वो डेटा डेटाबेस में जाता है जिस पे आपको क्वेरी रन, क्योंकि डेटाबेस इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव थिंग। स्टोरेज बकेट तो सस्ता है, स्टोरेज बकेट में आपको पर GB 10 सेंट पता नहीं लेता है वो गूगल, यानी 10 GB पूरे हो गए ना आपके, अब आपको 100 GB चाहिए मजीद तो 100 सेंट है 100 GB के, इस तरह का कुछ है चक्कर, ठीक है, बहुत सस्ता है वो। लेकिन ये महंगा है, ये अगर 500 MB से आपको 500 MB और चाहिए ना तो $50 हैं उसके, इस तरह का वो चक्कर है यार। ये कहाँ से पता चलेगा, सेलेक्ट प्लान, सेलेक्ट प्लान करते हैं। अगर यूज़र का नाम वगैरह और उसकी DP अलग अलग वो करवानी पड़ेगी, DP स्टोरेज बकेट में और नाम वगैरह जो है मंगो DP में। पहले DP को स्टोरेज बकेट में भेजोगे आप, वहाँ से एक ID मिल जाती है आपको उस स्टोरेज बकेट से, एक URL मिल जाता है, वो URL डेटाबेस में होगा। यार इन्होंने क्या सीन कर दिया, ये दिख रहा क्यों नहीं है मुझे, ये मोंगो डीबी प्राइसिंग DB साइज, हाँ अब देखो इसमें 3 तरह का डेटाबेसेस हैं, ये एक सर्वरलेस है, एक डेडिकेटेड है और एक शेयर्ड है। अच्छा फॉर लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग अप टू 5 GB, अच्छा ये 500 MB नहीं है, ये मैं गलत था, 500 MB नहीं है, ये 5 GB है,
ये 5 GB तक का डेटाबेस आपको फ्री में देता है। 500 MB तक चलेगा। हाँ, आज से कुछ अर्से पहले तक 500 MB था ये। असल में इसका नाम भी पहले कुछ और था, इसका नाम था एम लैब, इसका नाम था mlab.com नाम था इसका, ये था एम लैब। ठीक है, अब तो एम लैब चेंज हो गया। एम लैब की प्राइसिंग लिखूंगा ना तो ये पुराना वाला आ जाएगा। नहीं, वो हटा ही दिया, बल्कि इन्होंने वो इन्होंने हटा दिया शायद प्राइसिंग। खैर, तो ये मोंगो डीबी ने ख़रीद लिया उसको। अच्छा, अब इसमें क्या क्या फ़ीचर मिलते हैं आपको? बस कोई ऐसे ख़ास फीचर्स इसमें है नहीं, लेकिन बस ये है कि डेटाबेस आपको काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या मिलता है? एक जो डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड का मतलब होता है पूरी हार्डवेयर मशीन जो है ना वो आपकी होगी और कोई भी नहीं होगा उसके अंदर। इसमें आपको 4 TB तक की स्टोरेज मिलती है, 4 TB का आपको डेटाबेस मिल जाता है। ये बहुत बड़ा एक नंबर होता है 4 TB। ये मेरा ख्याल है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर, मैं किसी कंपनी का अगर आपको नाम बताऊँ, जैसे इम्तियाज़ है, इम्तियाज़ जैसा जो बड़ा है ना कि उसके पूरे पाकिस्तान में 400-500 स्टोर हैं और हर स्टोर के अंदर वो मतलब 2-2 हज़ार गज पे बने हुए स्टोर हैं वो, और वहाँ पे डेली बेसिस पे परचेजिंग हो रही है और सेल्स हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है, तो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ना ये 4 TB शायद जाके 20 साल में जाके फुल हो, 20 साल या 25 साल में जाके फुल होगा। ठीक है, उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कह रहा हूँ। तो सर, ये हम जो मीडिया वगैरह जो होता है ये हम नॉर्मली कहाँ रखते हैं? ये हम स्टोरेज बकेट में रखते हैं, वो भी हम देखेंगे स्टोरेज बकेट। अभी पहले डेटाबेस तो पहले समझें। तो डेटाबेस का ये क्लस्टर मैं डिलीट कर देता हूँ जल्दी से ना, ताकि हम नया क्लस्टर बनाएं। ताकि डिलीट क्लस्टर कैसे होगा भाई? डिलीट डिलीट सर, इसका ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ बता दीजिएगा इसमें, क्योंकि मैं वो क्रिएट कर रहा हूँ तो दो ऑप्शन दे रहा है, एक MongoDB एटलस दे रहा है और क्लाउड मैनेजर दे रहा है। MongoDB एटलस ही होगा मेरे ख्याल में, टर्मिनेट। ठीक है, प्लीज़ एंटर द नेम। ये मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये कैसे होता है। सही है, इसलिए कर रहा हूँ जस्ट, और कोई रीज़न नहीं है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, सारे प्रोजेक्ट सारी चीज़ें सब डिलीट कर रहा हूँ इसमें से मैं। सही है, प्रोजेक्ट सेटिंग, प्रोजेक्ट को भी डिलीट कर रहा हूँ मैं। प्रोजेक्ट ज़ीरो हैव एक्टिव क्लस्टर्स। अबे भाई, ये एक्टिव क्लस्टर, अच्छा ये कह रहा है सारे क्लस्टर जब तक डिलीट नहीं होंगे ये प्रोजेक्ट डिलीट नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, अब ये डिलीटिंग पे लगा हुआ है क्लस्टर, अभी डिलीट हो रहा है। आज की डेट में बस हो जाए ये डिलीट, मैं तो कहता हूँ। सही है, तो कोई दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लें? नहीं, दूसरा अकाउंट यार, एक काम करते हैं ना जुनेद भाई, आपका बना हुआ है इस पर अकाउंट MongoDB पे? सर अभी भी क्रिएट किया है, अभी अभी क्रिएट किया, तो बस अपनी स्क्रीन शेयर कर दें, आपका आपका अकाउंट इसमें चलाते हैं। सही है, क्योंकि मेरे पास वो पहले से बना हुआ है, वो डिलीट होने में इतना टाइम लगा रहा है। सर मेरा भी बना हुआ है। आपने अभी बनाया है? चलें अभी तो जुनैद भाई की स्क्रीन शेयर करवाते हैं। जुनैद भाई अपनी स्क्रीन शेयर कर लें और मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनेगा डेटाबेस, और फिर वो लिंक आप मुझे भेज दें तो मैं अपने पास वो डेटाबेस लगा दूँगा। अच्छा जी सर, ये सर क्रिएट प्रोजेक्ट तो मैंने किया था सोशल मीडिया डीबी के। हाँ, क्रिएट प्रोजेक्ट हो गया। अब नीचे आइएगा, बिल्ड अ डेटाबेस जो लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करना है। अच्छा, इसमें आप करें शेयर जो फ्री वाला है, बाकी दोनों तो पैसों के हैं। हेलो जी, जी बाबर भाई, इसको थोड़ा जूम आउट करें, आपकी स्क्रीन जूम इन बहुत ज़्यादा हुई भी। जूम आउट। अच्छा सही है, ये जो सेलेक्टेड है ना इसी को ही सेलेक्ट रहने दें, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सही, इसको हाँ स्क्रॉल करें इसको। अच्छा, ये जो मुंबई सेलेक्ट हुआ है ना, इसको US कर दें। पाकिस्तान से कहीं है भी कि US पहला वाला है, सबसे फर्स्ट है। हाँ, ईस्ट वन। क्रिएट का बटन दबा दें। सर, पाकिस्तान की सही थी सर, ये 512 MB स्टोरेज ही देगा। अच्छा, 512 ही देगा ये, पता नहीं 5 GB वहाँ क्यों लिखा हुआ था इन्होंने। खैर, मे बी जो है ना ये बाद में बढ़ा देता हूँ क्रेडिट कार्ड लगाने के बाद।
अच्छा सिक्योरिटी क्वेश्चंस अब आपसे इसने पूछा है। सबसे पहले हाउ वुड यू लाइक टू कनेक्ट, हम यूज़र नेम और पासवर्ड पे क्लिक करके ना नीचे आए, स्क्रॉल करें, यहाँ पे एक यूज़र नेम बना दें, एबीसी यूज़र नेम, एबीसी पासवर्ड, सिंपल पासवर्ड रखते हैं अभी हम, और इसका एबीसी पासवर्ड, और इसको सेव का बटन दबा दें, स्क्रॉल करें हल्का सा, नहीं कॉपी नहीं, बस स्क्रॉल करें, ये क्रिएट यूज़र, ये जो यूज़र है ये डेटाबेस का यूज़र है, राइट। अच्छा और आ जाए नीचे, वेयर वुड यू कनेक्ट, ठीक है, इसमें लगाते हैं क्लाउड इन्वायरमेंट, अच्छा ये तो ऑप्शन ही बंद कर दिया, वापस जाए, वापस जाए उसको, तो फिर आईपी देनी पड़ेगी वरना फिर ये, हाँ इसको आईपी देनी पड़ेगी कि जहाँ से ये एक्सेस होगा ना वो आईपी इसको देनी पड़ती है। ये मेरा ख्याल है सेटिंग को हम यहाँ से नहीं करते हैं, इसको और नीचे जाएं, और कुछ पूछ रहा है आपसे ये? नहीं सर, फिनिश एंड क्लोज। अच्छा अलाउ तो कर रही है, नहीं अलाउ, चलें कॉन्फ़िगर का बटन दबाएं, यहाँ पे वो 00 वाला ऑप्शन नहीं दे रहा ना, ये कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर का बटन नहीं दे रहा, कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर का बटन आना, करें कॉन्फ़िगर का बटन दबाएं, देखें क्या होता है, कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर का बटन क्यों नहीं आ रहा इसमें, ऐड माई करंट आईपी करें, ऐड माई करंट आईपी, आईपी दूंगा तो भाई ऐड होगी, अच्छा इसमें उठा ली सर। अच्छा ये उठा तो लिए इसने, लेकिन ये पता है करना क्या होगा आपको, जाके ज़रा एक और आईपी लिखें आप, इसमें लगाएं 0.0. चार दफ़ा 0 लगाएं ऐसे डॉट डॉट करके, और स्लैश 0, स्लैश 0 एक और लगा दें, इसका मतलब ये है कि इस डेटाबेस को कहीं से भी कनेक्ट किया जा सकता है, ऐड कर दें इसको, सही है, इसका मतलब है ये डेटाबेस को कहीं से भी कनेक्ट किया जा सकता है, 0.0 का मतलब ये है। रिमूव कर दूँ इसको? हाँ अपने वाले को रिमूव भी कर सकते हैं अब, वैसे तो डेटाबेस में हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई सिर्फ फलां आईपी से रिक्वेस्ट आए तो एक्सेप्ट करना, कहीं और से आए तो मत करना, लेकिन फिलहाल हम अभी लर्निंग के लिए ना हम कर रहे हैं, फिनिश कर दें इसको। अच्छा अब मैं एक दफ़ा और बता देता हूँ कि ये जो दो सेटिंग आपने की है ना ये दोनों होती कहाँ से है। सिक्योरिटी के नीचे डेटाबेस एक्सेस आ रहा है ना जो, इस पे जाइएगा डेटाबेस एक्सेस पे, जो हमने डेटाबेस का यूज़र बनाया था ना एबीसी, उसका यूज़र नेम रखा था और एबीसी उसका पासवर्ड रखा था, वो ये बना हुआ है, ठीक है, इसको एक्सेस किया है रीड राइट एनी डेटाबेस @admin, यानी इसको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सेस है, ठीक है, बस इसको क्लोज कर दें, खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्लोज कर दें इसको, ठीक है। यहाँ से आप नए यूज़र भी ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग यूज़र को डिलीट भी कर सकते हैं आप। अच्छा इसके नीचे लिखा हुआ है नेटवर्क एक्सेस, डेटाबेस एक्सेस के नीचे लिखा हुआ है नेटवर्क एक्सेस, वहाँ चले जाएं। नेटवर्क एक्सेस के अंदर यहाँ पे जो आईपी हमने डाली थी ना वो आईपी यहाँ पे आ रहा है, सही है, और यहाँ पे से आप आईपी को रिमूव भी कर सकते हैं, नई आईपी को ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा अब वापस ऊपर आ जाएं डेटाबेस के अंदर, जो टॉप पे ऑप्शन है डेटाबेस, हाँ ये डेटाबेस पे आ गए। अब ये क्लस्टर 0 आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, क्लस्टर 0 जो है ना इस वक्त तैयार हो चुका है, ठीक है, अभी शुरू में तो घुमाता रहता है लोडर के, चल रहा है, ये अभी तैयार हो चुका है। कनेक्ट का बटन दबाइएगा, इसमें जो कनेक्ट का बटन है ना ये दबा दीजिएगा। अच्छा कनेक्ट का बटन दबाने के बाद ये पूछ रहा है कि कैसे आप करेंगे कनेक्ट अपने एप्लीकेशन से इसको, तो हमने कहा कि हमारी एप्लीकेशन है उससे हम कनेक्ट करेंगे बीच वाला, ठीक है, टर्मिनल से भी हो सकता है, कंपास से भी हो सकता है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, ये पूछ रहा है कि नॉट जे एस का आपके पास कौन सा वाला वर्जन है, ठीक है, तो हमने कहा भाई सबसे लेटेस्ट है, वो पहले से ही सिलेक्टेड है लेटेस्ट, तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं। अच्छा और ये इस पे चेक लगा दें फुल ड्राइवर कोड एग्जांपल, नहीं इसको नहीं, ये गलत बता रहा है, इसको चेक हटा दें। अच्छा ये लिंक जो है ना आप मुझे कॉपी करके ज़रा यहाँ भेज दें चैट में, और क्लोज कर दें इसको, बस हो गया, और कुछ नहीं है अभी यहाँ पे बचा, बस वो क्लोज कर दें, हो गया, ख़त्म हो गया ये, ठीक है। अभी हमारे पास क्या आ चुका है, वो लिंक आ चुका है जिससे मैं क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा अपने डेटाबेस से। अब शेयर बंद कर, हाँ, अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर दें, अब मैं स्क्रीन अपनी शेयर ऑन कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मेरी स्क्रीन आ गई है आपके पास। अब मैंने वो जो यूआरएल ना जुनेद भाई से मैंने जो मांगा अभी, वो यूआरएल मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा,
ये दरमियान में आ गए। अच्छा, पासवर्ड की जगह हटाऊंगा, ये एंगल ब्रैकेट भी हटाऊंगा, और ए बी सी मेरा पासवर्ड था, मुझे पता है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए बी सी पासवर्ड, और मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब ये पता कैसे चलेगा कि भाई डेटाबेस वाकई कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो इसके कुछ इवेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन से इवेंट्स होते हैं जाके ज़रा हम ये मोंगो डी बी में से देख लेते हैं। इवेंट्स, कनेक्शन, कनेक्शन इवेंट्स, कैसे पता चलेगा इसको? हाँ, ये रहा कनेक्शन इवेंट्स। ये कनेक्शन इवेंट जो है ना, कौन से होते हैं? कनेक्टिंग, कनेक्टेड, ओपन, डिसकनेक्टिंग, डिसकनेक्टेड, कि कब क्या हो रहा है ना, उसके सबके इवेंट्स मिलते हैं आपको। तो मैं इसमें से एक दो इवेंट उठा के लगा लेता हूँ। अच्छा, ये बाय द वे इसका मैंने बॉयलर प्लेट बनाया हुआ है, ठीक है, वो मैं हमेशा उसको इस्तेमाल करता हूँ उसी तरह। ठीक है, ये मैं कहीं से उठा के ला रहा हूँ, ये डेटाबेस मैंने बना के लगाया, वो किया हुआ है। ये उस ज़माने की बात है जब टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग किया करते थे हम इंडेक्स डॉट टी एस। अच्छा, कहाँ किया वो इवेंट सारे? ये रहे इवेंट सारे। ठीक है, ये चार इवेंट हैं। देखो, ये मैंने बॉयलर प्लेट लिख के रखा हुआ है, ये अब एक ही बात है, इसको मैं अब हर जगह इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, ये हटा देता हूँ मैं, ये हमारा वाला जो, हाँ, ये डी बी यू आर आई है ना, ऐसे करके लगा देता हूँ। सर, ये लिंक कहाँ से आया था, डी बी यू आर आई वाला? ये अभी मैंने जुनेद भाई से लिया ना लिंक, ये वाला, ये डी बी यू आर आई का जो लिंक है वो जुनेद भाई से मैंने कहा ना कॉपी करके आप भेजें डेटाबेस, ये जुनेद भाई का लगा हुआ है इसमें, ये मेरा नहीं लगा हुआ है। सही है। अच्छा, अब मेरे डेटाबेस का डेटाबेस में अगर हम देखना हो तो सर कहाँ से देखेंगे? डेटाबेस में अभी दिखा देता हूँ कहाँ से देखेंगे, लेकिन डेटाबेस में जाने की ज़रूरत नहीं है अब आपको, डेटाबेस में जाने की ज़रूरत नहीं है अब आपको दोबारा, बस आपको यहीं रहना है। डेटाबेस में जो काम करना था वो कर लिया हमने। अच्छा, अब एक दो चीज़ें छोटी छोटी बता रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा। ये जो लिखा हुआ है ना mongodb.net, इसके आगे मुझे डेटाबेस का नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा कि भाई सोशल मीडिया बेस, ठीक है, ये मैंने अपने डेटाबेस का नाम रखा है सोशल मीडिया बेस। अच्छा, सीक्वल में ऐसा नहीं होता, सीक्वल में भाई आपको डेटाबेस में जाके क्रिएट करना होता है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें होता है कि भाई अगर डेटाबेस का नाम आपने लिखा है ना, वो पहले से मौजूद नहीं है, तो खुद ही क्रिएट हो जाता है। सही है, वही नाम देना पड़ेगा जो मैंने दिया हुआ है, सोशल मीडिया बेस जो मैंने लिखा है ये वाला। हाँ सर, ये नाम जो मैंने वहाँ पे दिया हुआ है, वही नाम देना पड़ेगा या हम अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं? कोई भी नाम दे सकते हैं, नहीं होगा क्रिएट हो जाएगा, पहले से नहीं होगा ना, क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने ये नाम लिख दिया अपना सोशल मीडिया बेस। अब क्या करूँगा मैं, पहले तो मैं ये देखूँगा कि भाई ये जो कनेक्शन है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, mongos.connect। ठीक है, अब ये कनेक्शन इवेंट्स हैं कि mongos.connection.onConnected, जब MongoDB का डेटाबेस कनेक्ट हो जाए तो मुझे इस कंसोल पे क्या लिख के बता दो कि MongoDB इज़ कनेक्टेड। ठीक है, देखो MongoDB इज़ कनेक्टेड यहाँ लिखा हुआ आ गया। ठीक है, जब MongoDB डिसकनेक्ट हो जाए तो मुझे लिखा हुआ बता दो कि MongoDB डिसकनेक्टेड, और ऐप को भी एग्जिट कर दो। ये जो कोड है ना process.exit, इसका मतलब होता है कि मेरी Node.js की एप्लीकेशन को क्लोज कर दो, ख़त्म कर दो, कंट्रोल सी से रोक दो। इसका मतलब, क्योंकि डेटाबेस जब डिस्कनेक्ट होता है ना तो एप्लीकेशन को फ़ौरन हम रोक देते हैं, क्योंकि अगर एप्लीकेशन चल भी रही है तो मेक सेंस नहीं है ना, कोई डेटाबेस में ज़ाहिर है कोई रिक्वेस्ट करेगा, यूज़र साइन अप करेगा या लॉगिन करेगा, तो डेटाबेस तो कनेक्टेड ही नहीं है, तो एरर आ जाएगा यूज़र के पास। तो इसलिए हम पूरी एप्लीकेशन को बंद करवा देते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन को बंद कराने का कोड है process.exit। ठीक है, और ये वन जो लिखा हुआ है, इसकी जगह कुछ भी लिख दें आप नंबर। ठीक है, वो ये कोड होता है, स्टेटस कोड होता है असल में। तो वन का मतलब होता है कि एरर के साथ क्लोज हुआ है, ज़ीरो का मतलब होता है कि बगैर किसी एरर के क्लोज हुआ है। ये सी लैंग्वेज के अंदर ये हम इस्तेमाल करते थे, ये जो कन्वेंशन है। अच्छा, इसी तरह mongos.connection.error, अगर एरर आ जाए कनेक्शन के दौरान तो क्या लिख के बता दो कंसोल पे कि एरर आ गया है। अब देखो, मैं ए बी सी का ना पासवर्ड अगर ए बी सी डी लगा दूँ साथ में, तो अब ये पासवर्ड क्या हो गया, गलत हो गया ना पासवर्ड। तो अब क्या आना चाहिए, अब आना चाहिए कनेक्शन में एरर। ठीक है, तो MongoDB डिसकनेक्टेड हो गया यहाँ पे। अब मैं इसको सेव करूँगा ना जब, तो देखो अब ये कनेक्ट नहीं होगा, पासवर्ड गलत है क्योंकि। ठीक है, MongoDB डिसकनेक्टेड, और ऐप को क्रैश भी कर दिया इसने, क्लोज करवा दिया ऐप को। ठीक है, अच्छा, मैं वापस इसको ए बी सी को डी को हटा देता हूँ। अच्छा, और मैंने साथ में क्या लगाया, मैंने ये लगाया process.on
सिग इंट का मतलब होता है कि कंट्रोल सी से अगर कोई एप्लीकेशन को बंद करने लगे तो क्या कर दो, मोंगो का कनेक्शन क्लोज करवा दो, मोंगो डीबी को डिस्कनेक्ट कर दो। सही है, इसको भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अब मैं कंट्रोल सी से जब रोकने लगूंगा ना इसको, तो देखो मोंगो बैट डीबी डिस्कनेक्टेड हो गया फ़ौरन। ठीक है, मैंने रन किया दोबारा, अब ये कनेक्शन हो रहा है, अभी कनेक्ट हो गया, देखो कनेक्ट हो गया। अब मैं जब राइट क्लिक करके किल होता है, नहीं किल से तो गायब हो जाएगा पूरा, कंट्रोल सी से मैं इसको रोकूंगा ना, तो देखो मोंगो डीबी डिस्कनेक्टेड हो गया फ़ौरन रोकते ही। सही है, तो ये भी मैंने लगा दिया कि भाई अगर कोई एप्लीकेशन किसी भी वजह से क्लोज़ हो रही है तो डेटाबेस के कनेक्शन को ओपन नहीं छोड़ना है, फिर ये बाद में हैकर्स वगैरह फिर उसको एक्सेस कर लेते हैं गालबन। तो इसलिए ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब भी सर्वर को कंट्रोल सी करके रोका जा रहा है तो डेटाबेस को भी डिस्कनेक्ट कर दिया जाए फ़ौरन। ठीक है, तो ये कुछ कनेक्शन के इवेंट्स हो गए, ये चार इवेंट हैं, बेसिक हैं, ये चार ज़रूरी होते हैं। तो मैंने ये बॉयलर प्लेट लिख के रखा हुआ था, वही मैंने लाके यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये MongoDB का सारा कोड यहाँ तक हो गया। यहाँ तक का जो मैंने कोड लिखा है, इसमें कोई किसी का सवाल, अभी तक हमने MongoDB के अंदर कोई एंट्री नहीं की है, कोई डेटाबेस में कोई चीज़ डाली नहीं है अभी तक, ना डेटाबेस से कोई चीज़ निकाली है अभी तक। सही है, अभी सिर्फ कनेक्शन हमने बिल्ड किया है डेटाबेस के साथ, हमारा सर्वर इस वक्त डेटाबेस से कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है, तो अगर इसमें किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज पूछ ले। यहाँ तक मैं, ये सर्वर चलने पर ऑफलाइन कुछ डाउनलोड करने की या कोई इंस्टॉल करने की जरूरत तो नहीं पड़ती है? MongoDB को जी सर, MongoDB मैंने इंस्टॉल ये कनेक्शन किया है ना, मोंगोस की जो लाइब्रेरी है ये इंस्टॉल की है मैंने, इसकी जरूरत पड़ती है। ये हर प्रोजेक्ट के लिए हम सेपरेटली इंस्टॉल हाँ, ये करेंगे? लाइब्रेरी हर प्रोजेक्ट में आपको एक दफ़ा इंस्टॉल करनी होगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से, कनेक्ट हो जाएगा। जी बाबर भाई, ये सर्वर चलने पे ये डीबी की जो का जो कंसोल है ये खुद चलेगा यहाँ पे? सॉरी क्या मतलब? ये अभी आप सर्वर रन कर रहे थे ना, हाँ तो ये जो नीचे खुद ये जो लिखा आता है डीबी कनेक्टेड, ये हाँ तो इस तरह ये सर्वर ऑन मतलब होम चला रहे थे या डीसी कर रहे थे तो ये कंसोल शो हो रहा था, हाँ ये पूछता। अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि क्लस्टर 0 के बाद क्लस्टर 1 हम मतलब हम कब बनाएंगे? बना सकते हैं क्लस्टर 1, बिल्कुल बना सकते हैं। एक डेटाबेस में कितने क्लस्टर बनेंगे? मैं यही आपको इसका जवाब देता हूँ, बड़ा अच्छा आपने पहले भी सवाल पूछा था, बीच में वो रह गई बात। देखो एक जो डेटाबेस होता है ना भाई, ये एक डेटाबेस है। सही है, अच्छा अब कहानी ना डेटाबेस से आगे बढ़ गई है मार्केट में। अब जो है ना ये डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस इसका छोटा सा एक पार्ट है, ये डेटाबेस है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो ये वाला है, वो ये छोटा वाला भी हमने इस्तेमाल किया है। असल में जो बड़ी एप्लीकेशन होती है ना, फेसबुक लेवल की एप्लीकेशन, उसमें इस तरह के ना कई डेटाबेसेस होते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। ठीक है, देखो एक बंदर जैसा मुंह बन गया इसका नाक भी बन गई। ठीक है, कुछ थोड़े और बड़े होते हैं कुछ और छोटे होते हैं थोड़े। ठीक है, कई डेटाबेसेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द देयर यूज़ केस, कई डेटाबेसेस होते हैं उसके ना। ठीक है, और इन सब को मिला के ना ये क्लस्टर कहलाता है। ठीक है, एक क्लस्टर को दूसरे से अलग रखने का मकसद ये होता है कि अलग अलग क्लस्टर ना अलग अलग मशीनों पे चल रहे होते हैं। ठीक है, तो थ्रोपुट आपको ज़्यादा मिलता है, मिसाल के तौर पे जाहिर है हार्ड ड्राइव की एक कैपेसिटी है ना रीड राइट की, तो अलग अलग क्लस्टर रखने से क्या होता है कि सबको रीड राइट अलग अलग मिल रहा होता है। ठीक है, कोई बड़े क्लस्टर होते हैं तो उनको बड़ी मशीनों पर चला देते हैं, छोटे क्लस्टर होते हैं उनको छोटी मशीन पर चला देते हैं। ठीक है, तो ये क्लस्टर ये कहलाता है। अच्छा, और उसके बाद फिर ये जो पूरी चीज़ है ना ये वाली, ये कहलाती है डेटा लेक। सही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डेटा लेक लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से होता है अब काम, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ना ये चीज़ें अब अभी जहन पे ज़ोर ना डालें आप, फ़िलहाल फ़िलहाल आप समझें कि यार एक ही डेटाबेस है बस, क्योंकि ये बड़ी एप्लीकेशन में तो और भी बहुत कुछ हो रहा होता है। ये फिर इस एक डेटा वेयर हाउस होता है। ठीक है, एक होता है बड़ा डेटा वेयर हाउस, उसके अंदर इस तरह के कई डेटा के क्लस्टर होते हैं, ये कई क्लस्टर होते हैं उसके अंदर। ठीक है, कई क्लस्टर होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, कुछ बड़े होते हैं क्लस्टर कुछ छोटे होते हैं। ठीक है, डेटा वेयर हाउस होता है फिर वो, तो ये ना फिर मोर लाइक डेटा साइंस की तरफ हम चले जाएंगे अगर हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो इसको फ़िलहाल रहने दें। अच्छा, फिर क्या होता है, इसके रेप्लिकास भी होते हैं, यानी पूरा जो ये है ना पूरा बना हुआ है, इस पूरे का रेप्लिका होता है। इसको मैं छोटा भी कैसे कर सकता हूँ, छोटा नहीं कर सकता इसको मैं, यानी ये जो पूरी चीज़ है ना इसका एक रेप्लिका भी बना हुआ होता है,
इसको पूरे की एक कॉपी बना के रखते हैं, सही है, एक ही डेटा होता है, दो जगह जा रहा होता है वो। इस पूरे की इस तरफ कर देता हूँ बल्कि कॉपी को मैं, ये रेप्लिका मतलब बैकअप होता है इस डेटाबेस, बैकअप होता है ये, ठीक है। असल में नो सीक्वल की सबसे बड़ी पावर यही है रेप्लिका, कि एक ही डेटाबेस के ना हम 3, 4, 5, 10 रेप्लिका बनाते हैं। फेसबुक के दुनिया में कई जगह पे डेटा सेंटर्स हैं और हर डेटा सेंटर एक रेप्लिका है ओरिजिनल डेटाबेस का, ठीक है। तो ये तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं डेटाबेस में कि उसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो अभी आप समझें कि डेटाबेस जो है ना, कंट्रोल ए डिलीट, सही है। अभी आप ये समझें कि ये एक डेटाबेस है, अच्छा अच्छा सा लोगो बनाते हैं ना डेटाबेस का, ये डेटाबेस है एक। अभी इस डेटाबेस के अंदर ही इतनी चीज़ें होंगी ना कि थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को समझने में। एक ही डेटाबेस है बस, इसका एक अदद यूआरएल है, क्योंकि क्लाउड का डेटाबेस है ना ये, क्लाउड पे हमने ख़रीदा है भी डेटाबेस, तो इसका ये यूआरएल है। अगर मेरी मशीन के अंदर होता ना ये लोकल, तो इसका यूआरएल फिर क्या होता, लोकल होस्ट होता। आम ज़्यादातर कोर्सेज में क्या करते हैं, लोकल इंस्टॉल करवा के ना डेटाबेस चला के दिखा देते हैं। उसमें होता ही है कि फिर आपके वो कई क्लाइंट का काम आता है ना, तो आप अपने कंप्यूटर थोड़ी हर वक्त ऑन करके बैठे रहेंगे, उसको जब प्रोजेक्ट बना के दे दिया चलेगा, वो क्लाउड पे चलना चाहिए, तो वो आप फिर उसका क्या करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैं पहले दिन से ही क्या करता हूँ, क्लाउड पे डेटाबेस बनाना सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है, ताकि कभी भी आप कल भी अगर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे ना आप, तो आप ये क्लाउड का डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे, आपको लोकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। सर यहाँ पर एक चीज़ बताइए, ये अभी आपने जिक्र किया क्लाइंट का, तो फ्रीलांसिंग में या क्लाइंट का काम करने के लिए आपके पास ये पेड सब्सक्रिप्शंस होनी चाहिए, जैसे डेटाबेस की नहीं, नहीं, और मुख्तलिफ एपीआईज की ज़रूरी है क्या ये? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी भाई जान। अभी तक हमने जो कोर्स में पढ़ा है, अभी तक हमने कोई पेड सर्विस इस्तेमाल की है? नहीं की, ठीक है। तो ये नहीं की, लेकिन वो एक्सपायर भी तो हो गई ना सर, वो जो एक हमने यूज़ की थी। नहीं देख, अच्छा इस तरह की अगर कोई चीज़ होती है ना, तो वो कस्टमर आपको ख़रीद के देता है। अगर वेदर की एपीआई लगानी है तो कस्टमर, आप बोलेंगे कस्टमर से, आप कहेंगे भाई एक है फ्री वेदर एपीआई, उसमें ये मिल जाता है, अगर आपका इसमें काम हो जाएगा तो बोलो मैं ये लगा देता हूँ, और अगर इसमें काम नहीं होगा तो आप बता दो कौन सी लगानी है, ठीक है। वो ज़्यादातर कस्टमर बोलते हैं यार आप बताओ क्या बेस्ट है, तो फिर मैं बताता हूँ कि फ्री वाला ही बेस्ट है। वो कहता है फ्री वाले में तो यार ये काम नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा, ये अगर ज़रूरत है तो फिर फलां फलां एपीआई है वहाँ पे, ये हो जाता है, उसके इतने पैसे हैं। तो वो कहता है यार ये लो मेरे क्रेडिट कार्ड का नंबर लगा दो वहाँ पे, या खुद लगा के दे देता है समटाइम। अच्छा डेटाबेस का रेप्लिका हम खुद बनाते हैं या ये MongoDB वाले ऑटोमेटिक हमारा बैकअप रखते हैं? अच्छा ये रेप्लिका बनाना ना, ये लाइब्रेरी के अंदर तो डिस्कस हुआ है, ठीक है, लेकिन हम इस कोर्स में ये कवर नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर हम इस कोर्स में रेप्लिका को कवर करेंगे ना, तो वो लंबी हो जाएगी थोड़ी। अच्छा मैंने आज तक जितने भी क्लाइंट्स को बना के दिए ना एप्लीकेशन, किसी को भी मैंने रेप्लिका बना के नहीं दिया आज तक, ठीक है। तो आमतौर पे स्टार्टअप्स होते हैं जो फाइवर पे और अपवर्क पे आते हैं ना, स्टार्टअप्स होते हैं, वो पहली एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, वो इतनी चीज़ों का ख्याल भी नहीं रखते, वो कहते हैं भाई चला के दो कुछ हमें, ठीक है। पैसे भी फिर उसी हिसाब से होते हैं उसके, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं एक एक इतनी छोटी छोटी डिटेल का ख्याल रखूँगा तो मैं, मेरे आवर्स ज़्यादा लगेंगे, पैसे ज़्यादा चार्ज करूँगा मैं। वो कहते हैं भाई मुझे कम से कम पैसे में कुछ चला के दिखाओ, मुझे पिच करना है, मुझे स्टेज पे खड़े होकर दिखाना है कि मेरे पास ये बन गया और पैसे पकड़ना है। ये होता है मेन आमतौर पर फ्रीलांसर के पास जो काम आता है। तो मैंने आज तक किसी को रेप्लिका लगा के नहीं दिया, ठीक है, ना किसी ने मुझसे बोला। तो कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर अगर चाहें तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर रेप्लिका सेट्स का पूरा टॉपिक है, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में मेरा ख्याल है कि उसको कवर करना जो है वो ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि रेप्लिका का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है इतना। मतलब एक डेटाबेस तो ख़रीद लेना क्लाइंट आपका, स्टार्टअप वाला बेचारा $50 महीने का, अब आप उससे बोलेंगे यार चार खरीदो तो वो कहेगा छोड़ दो आप रहने दो। मैं असल में इसलिए पूछ रहा था कि Node.js का जो सर्वर है, हाँ, जब सर्वर चल रहा होता है तो मेंटेन ये लोग Node, ये लोग खुद ही करते हैं, अगर ये क्रैश हुआ तो वो एक उसके बैकअप के तौर पे जो है ना, उसका एक और कोई डायनो है या जो भी कहलाता है, मुझे उसकी टर्म याद नहीं आ रही, वो ऑटोमेटिक चल जाता है। तो क्या डेटाबेस में भी ऐसा होता है कि अगर डेटाबेस का हमारा ये रेप्लिका खुद बना के रखते हैं या हमें खुद बनाना पड़ता है? ये जस्ट पूछा है। नहीं नहीं, बस जस्ट मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि mongos.replica रेप्लिका सेट ऐसे करके लगाता हूँ मैं, और रेप्लिका सेट में मैं एक डेटाबेस का और इसको दे देता हूँ ऐसे लिंक, बस ये हो गया रेप्लिका, ठीक है। अभी मैं यहाँ लिखूंगा ना रेप्लिका सेट,
यानी रेप्लिका हम खुद जो है अपनी विल से बनाएंगे, ये लोग मैनेज नहीं करते। हाँ देखें, जो अभी देखें ना, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा रेप्लिका बनाने का ऑप्शन। अब रेप्लिका क्या होता है, कैसे काम करता है, रेप्लिका का क्या, अबे भाई रेप्लिका, ये रहा रेप्लिका साइट कनेक्शन, ये रेप्लिका साइट कनेक्शन है। रेप्लिका सेट नेम आर सेट, बस सही है। मैंने जैसे यही पूछता था कि हम ये खुद बनाते हैं, हम लोग खुद कमांड देते हैं। हाँ अच्छा, ये कॉमा डाल के, अभी ये सही है, नया तरीका ये है कि कॉमा डाल के दे दें आप, कॉमा कॉमा डाल के जितने यूआरएल देते जाएंगे सब पे रीड राइट मारेगा वो, ठीक है। वो अभी वो कह रहा है कि अभी ऐसे नहीं है, ऐसे है कि कनेक्ट के अंदर ना, कनेक्ट के अंदर ना डॉट कॉमा लगा के आप एक और इसको डी बी यू आर आई दे दें, ऐसे करके बता रहे हैं। बहरहाल वो देख लीजिएगा आप कैसे होता है। तो कॉमा कॉमा करके जितना देते जाएंगे वो सारे डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, और जब भी आप कोई रीड राइट का ऑपरेशन करेंगे ना वो सबके ऊपर होगा। क्या कह रहा है, फाइल ऐप चेंज क्रैश मोंगो। अच्छा ये मोंगो यहाँ पे कहाँ से आ गया, सही है। तो जितने आप कनेक्ट करते जाएंगे वो कनेक्ट होता जाएगा। असल में देखो ये भी मैं समझा देता हूँ, बात निकल आई है तो फिर बता ही देता हूँ। देखो एक होता है सीक्वल डेटाबेस, ठीक है, और एक होता है नो सीक्वल डेटाबेस। क्या कोई इस क्लास में ऐसा बंदा मौजूद है जो मुझे दोनों का डिफरेंस बता सके? नहीं वो तो इसमें भी होता है ना, रो कॉलम में भी होता है ना। सीक्वल में डेटा जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप सेंड रिसीव करते हैं, और इसमें शायद अपनी मर्जी के डेटा सेंड रिसीव कर सकते हैं जेसन की तरह। अच्छा ये आपने फ़र्क तो बिल्कुल सही बताया है, फ़र्क तो बिल्कुल सही कि एक होता है सीक्वल डेटाबेस जिसमें स्कीमा होता है, प्रॉपर स्कीमा होता है किसी भी डेटा का, बगैर स्कीमा का कोई डेटा वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। मोंगो डी बी जो है वो स्कीमा लेस है, ठीक है, मोंगो डी बी जो है वो स्कीमा लेस है, लेकिन ये मेन फ़र्क नहीं है। सीक्वल डेटाबेस भी स्कीमा लेस हो सकता है, होगा कोई ना कोई, मेरा ख्याल है ये जो एक मारिया डी बी, नहीं मारिया डी बी तो यही है, मोंगो डी बी है, एक है पता नहीं काउच है क्या नाम है उसका, वेल तो सीक्वल में भी ना स्कीमा लेस हो सकता है डेटा डेटाबेस, मेन फ़र्क लेकिन ये नहीं है। एक कह रहे हैं सीक्वल है, एक कह रहे हैं नो सीक्वल है। देखिए सीक्वल में क्या होता है कि जब आप एंट्री मारते हैं ना तो जब आप एंट्री मारते हैं ना तो सब जगह एक साथ एंट्री जाती है। आपका डेटाबेस अगर सऊदीया में लगा हुआ है, एक एक यहाँ लगा हुआ है। सर पेप्सी के असरात आ रहे हैं। नहीं पेप्सी तो आज मैंने पी नहीं है। तो सब जगह एक साथ एंट्री जाती है और इसकी वजह से वो स्लो होता है। अच्छा नो सीक्वल डेटाबेस जो होता है ना ऑन अदर एंड, उसमें ये होता है कि जब आप एंट्री मारते हैं ना उसमें, जैसे फेसबुक में जब आप पोस्ट करते हैं तो अगर कोई बैठा हुआ है ना अमेरिका में बंदा, जब आप पोस्ट करेंगे ना वहाँ पे शो नहीं होगा उसको, ठीक है, वहाँ पे शो होगा कुछ सेकंड्स के बाद। तो वो क्या करता है नो सीक्वल, नो सीक्वल ये करता है कि भाई आप जब किसी भी डेटाबेस पे एंट्री, क्योंकि फेसबुक का जो डेटाबेस है ना वो क्लस्टर्स उसके बहुत सारे हैं, ठीक है, फेसबुक का जो डेटाबेस है उसमें यूज़र जब लॉगिन साइनअप होता है उसका डेटा अलग है, जहाँ पोस्ट करते हैं वो डेटाबेस अलग है, जहाँ ग्रुप की पोस्ट होती है वो डेटाबेस अलग है, सही है, अलग अलग डेटाबेस है जो, यानी एक टिपिकल आर्किटेक्चर है ये जो काम होता है ना ये होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है ये, ठीक है। डेटाबेस की बाकायदा पूरी पढ़ाई होती है, डेटाबेस डिज़ाइनर्स होते हैं जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर पूरा डिज़ाइन करते हैं कि डेटाबेस कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो ये वो लोग डिसाइड करते हैं। तो एक टिपिकल पूरा आर्किटेक्चर होता है कि भाई किस चीज़ को कहाँ रखा जाएगा और कैसे रखा जाएगा। तो वो इतने सारे डेटाबेसेस हैं, क्लस्टर्स हैं, फिर उसके अंदर वो पूरा वेयर हाउस बना हुआ है डेटा का वो। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब आप पोस्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ का करीब तरीन जो भी सर्वर है ना उनका करीब तरीन, वहाँ के डेटाबेस में वो अपडेट हो जाता है। आपको दिखता है कि हाँ मेरी पोस्ट हो गई, सही है, आपको क्या दिखता है कि मेरी पोस्ट फेसबुक पे चली गई,
लेकिन जो अमेरिका में बैठा हुआ बंदा है ना, उसके पास वो पोस्ट अभी नहीं आएगी। अगर वो आपकी प्रोफाइल खोल के रिफ्रेश करेगा ना, उसके पास नहीं आएगी, ठीक है, उसके पास कुछ सेकंड बाद आएगी। अच्छा, कुछ केसेस में 3-4 घंटे बाद आएगी, कुछ केसेस में। तो नो सीक्वल ये करता है कि करीब तरीन सर्वर में अपडेट कर देता है फ़ौरन, उसके बाद इंतज़ार करता है रिसोर्सेज के फ्री होने का। जैसे ही रिसोर्सेज फ्री होती है ना, उसको तमाम डेटाबेसेस में प्रोपेगेट कर देता है। ये समझ आई बात सबको? ये मेन फ़र्क है सीक्वल और नो सीक्वल का। यही वजह है कि बैंक्स जो हैं वो नो सीक्वल यूज़ नहीं करते अपने पास, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन वगैरह का डेटा होता है वो सीक्वल में रखते हैं, क्योंकि सीक्वल बैक वक्त सब जगह अपडेट होता है। अच्छा, लेकिन अगर आप MongoDB में भी करना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन के नाम से इसमें एक फ़ीचर मौजूद है, वो आप यूज़ करके एक साथ सब जगह अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन वो स्लो होता है फिर, ठीक है, उसको टाइम लगता है। अकाउंट्स की जो एप्स बनती हैं उसके लिए फिर SQL डेटाबेस ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, असल बात ये है कि नो सीक्वल में वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं जो सीक्वल में होती हैं, ठीक है। ज़ाहिर है नया नया वर्जन है तो पुरानी चीज़ों की सारी कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें, एडिशनल चीज़ें हैं, लेकिन जो बैंक वाले हैं ना उनको अभी तक भरोसा नहीं होता इसके ऊपर। मसला ये है, वो अभी तक कन्वेंस नहीं हुए कि ये डेटाबेस हमारे लिए बेस्ट है नो सीक्वल, ठीक है। तो ज़्यादातर ये ना उनका डाटा क्लाउड पे भी तो चला जाएगा, आर्मी का, बैंक्स का, ये भी तो है। नहीं नहीं, आप क्लाउड पे, उनका तो अभी भी अपने घर पे ही उन्होंने सर्वर लगाया हुआ है ना, बैंक की जो हेड ऑफिस होता है उसी में ही उनका सर्वर होता है, और वहीं से वो तारों के ज़रिए जो है ना, उन्होंने एक डार्क वेब का एक नेटवर्क बनाया हुआ होता है, उसके ऊपर इनकी कम्युनिकेशन होती है, इनकी कम्युनिकेशन। तो लेगेसी टेक्नोलॉजी की वजह से लेगेसी से निकलना भी ज़रा आसान नहीं होता, लेगेसी से निकलना भी आसान नहीं होता, बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो लेगेसी से निकलना आसान नहीं होता, दूसरा उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अभी तक MongoDB पे ना, उनको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है, या यूँ कह लें कि उनके पास शायद एक्सपर्ट्स नहीं है MongoDB के, या यूँ कह लें कि उनका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक बात बाय द वे और भी है, ये जो अक्सर आप बैंक्स में जाते हैं ना और आपको वो कहते हैं कि यार हमारा सर्वर बिजी है अभी, अभी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, वो आपसे झूठ बोलते हैं, सही है। आज तक किसी भी बैंक का सर्वर स्लो नहीं हुआ, ऑन रिकॉर्ड बात है ये, ठीक है। जिस दिन बैंक का सर्वर स्लो हो गया ना, उस दिन बैंक बर्बाद हो जाएगा। ये बेवकूफ़ी की बात करते हैं कि हमारा सर्वर आज बिजी है, हम वो कोई अपने सुस्ती की वजह से कर रहे होते हैं कुछ, या जानबूझ के उन्होंने डिसेबल किया हुआ होता है किसी ब्रांच का सर्वर जानबूझ के, ठीक है। वरना ये ऑन जान का तो बहुत होता है अक्सर, हाँ, वो जानबूझ के होता है, हाँ वो जानबूझ के करते हैं, ठीक है। वो नीचे से एटीएम से भी तो बैठे हुए होते हैं, एटीएम कितनी दफा होता है, ईद है तो लोड इतना आता है कि एटीएम यूज नहीं कर पाते आप। क्या नहीं यूज कर पाते? एटीएम मशीन्स, एटीएम नहीं, वो जानबूझ के बंद किया हुआ होता है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, वो जानबूझ के बंद किया हुआ होता है, कभी भी स्लो नहीं होता इनका सर्वर। वजह क्या है सर? वो जो इमेज, हाँ मिजान बोलो, सारे मिजान की ऐप जो, फिर उसमें भी मसला होता है, वो क्या है, वो भी वही करते हैं। हाँ, बैंक की ऐप में कहीं पे भी स्लो होती है ना बैंक की ऐप, तो वो बैंक जानबूझ के करता है, ठीक है। ये मैं बड़े वसूख से बात कह रहा हूँ और ये अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। तो ये पागल बनाते हैं? हाँ पागल बनाते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी मैं समझा देता हूँ, बहुत ऑब्वियस वजह है भाई। मिसाल के तौर पर बाबर भाई, आपसे मैंने 1,00,000 रुपये लिए हैं, आपने मेरे पास रखवाए हैं, आप मेरे पर भरोसा करते हैं, आपने मेरे पास 1,00,000 रुपये रखवा दिए। अब मुझे पता चला कि बाबर भाई के घर में ना किसी की तबीयत ख़राब है। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि बाबर भाई ना अब आएंगे पैसे निकलवाने, ये तो बड़ा मसला हो गया। बाबर भाई को मैं 1,00,000 रुपये दे दूँ, मैंने वो 1,00,000 आगे इन्वेस्ट किए हैं ना, मैंने तो वो 1,00,000 आगे इन्वेस्ट किए हैं, मेरे पास तो है ही नहीं वो फ़िलहाल, मैं आपको दूंगा कहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना लिंक डाउन कर देता हूँ, मैं कहता हूँ बाबर भाई मैं तो देना चाहता हूँ आपको, लेकिन सर्वर ही डाउन है, मैं कैसे दूँ आपको, ये वाला सीन। अच्छा, तो सीधी सीधी टोपी करने की बात है ना, टोपी दे दी, ठीक है। अच्छा, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें ना, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, 2-3 लाख रुपये अगर आपने बैंक में रखे हुए हैं ना, और आप जाके ब्रांच में बोले ना कि ये मुझे पूरे 2,00,000 रुपये चाहिए अभी, वो आपको नहीं देंगे, सही है। ये आपने 5,00,000 रुपये पूरे एक साथ आपने बोला ना कि मुझे अभी चाहिए ये, तो आपको नहीं देंगे वो। ये एक बैंक की पॉलिसी भी है, जो बड़े अकाउंट्स होते हैं जो अरबों में जिसमें अमाउंट्स पड़े हुए हैं, उन लोगों को भी ना जब चाहिए होते हैं ना 20-25 लाख। अच्छा, वैसे तो 4-5 लाख का कोई इशू नहीं है इतना बैंक के पास, ये उनके लिए पीनट्स हैं, ये उनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है,
लेकिन आपके अकाउंट में है ही उतने, आप पूरा निकालना चाह रहे हैं तो वो आपके साथ मस्ती करते हैं, बोलते हैं यार आप कल आ जाइएगा, ये आ जाइएगा, आज कैश खत्म हो गया, ये वो बहानेबाजियाँ करते हैं, ठीक है, उनका देने का दिल नहीं होता। टोपी देते हैं, हाँ टोपी देते हैं बिला वजह की, क्योंकि पैसे उनको देने नहीं होते आपको, क्योंकि आपके ब्रांच के अंदर कितने पैसे इस वक्त मौजूद हैं उससे डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है मैनेजर की तनख्वाह का। अगर कोई ब्रांच ऐसा है ना जिसके अंदर मिसाल के तौर पे 50 करोड़ रुपए उसके अंदर पड़े हुए हैं, उस बैंक के ब्रांच में लोगों ने जमा करा हुए हैं डिपॉज़िट, यानी उस ब्रांच से जो अकाउंट जितने खुले हैं उसमें 50 करोड़ रुपए टोटल लोगों ने डिपॉज़िट किए हुए हैं, अगर ठीक है, अगर वो 50 करोड़ ना अगले दिन आधे हो गए तो मैनेजर उसी दिन फारिग होगा, मैनेजर को वो उसी दिन फ़ोन करेंगे कि कल से नहीं आना, तुम दूसरा मैनेजर भेजेंगे वहाँ पर, ठीक है, तो वो बढ़े तो ग्रेजुअली बढ़े और कम हो तो भी ग्रेजुअली कम हो, तो इसलिए ना वो मैनेजर को तो पता है ना कि यार आज फला बंदा है वो भी 20 लाख निकाल के लेके गया, अब ये दोबारा आ गया 20 लाख मांगने मेरे से, तो मेरी तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, तो वो फिर ना मस्ती, हाँ वो मस्ती करते हैं, फिर वो कहते हैं यार एक काम करें ना आप कल आ जाए ना, यार आप एक काम करें ना आज आप 2 लाख ले जाएं, 2 आप दे दें उसको बयाना कर दें, बाकी आप एक हफ्ते बाद का टाइम दे दें, मैं खुद लेके आ जाऊँगा आपके घर, मतलब इस तरह की बात आपसे करेंगे वो। ये तो अपनी नौकरी बचाना हुआ ना, हाँ ये तो नौकरी बचाते हैं अपनी वो, ठीक है। अच्छा फिर इसी तरीके से बैंक की एक पॉलिसी है कि अगर कोई बंदा ना 1 करोड़ उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं, अगर 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर वालों के लिए ये पॉलिसी है, तो वो बैक वक्त अपने पूरे पैसे विदड्रॉ नहीं कर सकता, ये आप मुझसे शर्त लगा लें किसी भी ज़िंदगी में, बहरहाल मेरे तो बैंक में आज तक 1 करोड़ तो पैन ही आए लेकिन ऐसे मुझे डेटा पता है, लेकिन आ जाएंगे सर इंशाल्लाह, हाँ आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप वो 1 करोड़ विड्रॉ करने जाएंगे ना तो बैंक की पॉलिसी है वो आपसे रीज़न पूछते हैं कि आपको किस लिए चाहिए ये पैसे। अब ये बड़ी वाहियात बात है, मतलब आप बोलेंगे कि यार मैं क्या रिश्ता लेने के लिए आया हूँ तुझसे कि मैं तुझे बताऊँ कि मैं मुझे क्यों पैसे चाहिए, है ना, बंदा मेरे पैसे की वजह मुझसे ही पूछ रहा है, हाँ वो पूछते हैं। अच्छा फिर आपको वो बोलेंगे कि यार ये ना हमारी पॉलिसी इस वजह से है कि हो सकता है आपको किसी ने अगवा बनाए तावान के लिए फ़ोन किया हो, तो हो सकता है आप उसको तावान देने जा रहे हो, तो इसलिए हम पूछते हैं ये, अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है तो हमें बता दें आप, आपका नाम नहीं आएगा, हम पुलिस को फ़ोन कर देंगे, वो आपका मसला हल करा देगी, सही है, मतलब किसी तरह पैसे ना जाएं, तस्वीर का दूसरा रूप दिखाते हैं, बात कितने जैन में, हाँ नहीं करते भी हैं वो, ये अभी नई एक सर्विस अभी स्टेट बैंक ने इनको हुक्म दिया है कि अगर कोई भी बंदा 1 लाख रुपए से ऊपर विड्रॉ कर रहा है तो थाने में फ़ोन करेगा बैंक वाला थाने में फ़ोन करके पुलिस की गाड़ी बुलवाएगा और आपको साथ में गाड़ी के घर तक पहुंचा के आएंगे वो, ठीक है, ये पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी है ये। तो 1 लाख रुपये से ऊपर या 2 लाख इस तरह कोई है लिमिट तो उस पर ना, वैसे तो नहीं बताते बैंक वाले, लेकिन ये पॉलिसी है, अगर आप उससे कहें ना कि यार मुझे लग रहा है कि कोई बाहर मुझसे छीन लेगा पैसे, तो वो कहेगा कोई मसला नहीं, हम गाड़ी बुलवा देते हैं पुलिस की, तो ये चीज़ें बनाई हुई हैं इन्होंने ये रूल। लेकिन पॉइंट कहने का मकसद ये है कि भाई आपके ना अगर कोई पैसे ज़्यादा पड़े हुए ना बैंक में और आपको अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई तो वो बहुत मुश्किल है उस पैसे को बैंक से बाहर निकालना, बहुत मुश्किल है, वो चाहते ही नहीं है कि पैसे बाहर निकलें, इवन दो कि आप पे ऑर्डर भी बनवाएंगे ना उनसे, पे ऑर्डर आप अगर 30-40 लाख का पे ऑर्डर बनवाने गए हैं, आपको कोई जगह आपने ख़रीदी है कुछ भी हुआ है, तो वो पूछते हैं कि इसका पर्पस क्या है, पर्पस बताएं आप, तो बहुत ड्रामेबाजी करते हैं। तो बैंक का सर्वर कभी स्लो नहीं होता, ठीक है, बैंक के पास इतना पैसा है इस वक्त, वन ऑफ द रिचेस्ट जो है ना वो बैंक के ऑनर्स हैं, बेचारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी तो कोई तनख्वाह नहीं है, वो तो रुल रहे होते हैं बेचारे, ठीक है, मतलब ब्रांच के जो मैनेजर होते हैं वो 30-40 हज़ार उनकी तनख्वाह होती है, यानी छोटी जो जैसे औरंगी टाउन में जो ब्रांचेस हैं इनकी वो 30-40 हज़ार होगी, 50 हज़ार होगी उसकी, इससे ज़्यादा नहीं होती आमतौर पर, ठीक है, एक ज़माने में हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो ऑनर है ना वो बैंक का, उसके पांचों इंगली घी में और सर उसका कढ़ाई में है, ठीक है, पैसे में नहाया हुआ है वो, तो उनके पास इतना पैसा है। और दूसरा ये है कि जो बैंक होता है ना वो जो ज़ाहिर है आपका जो पैसा आगे इन्वेस्ट किया हुआ है वो कैसे किया हुआ है, वो बैंक के सिस्टम के थ्रू ही किया हुआ है, वन लिंक के ज़रिए किया हुआ है सारा, उसमें बैंक का सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, तो वो एक होती है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड होती है, अगर आप लोगों में से किसी को ट्रेड का कोई इत्तफाक रहा हो, एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे आपने लोहा ख़रीद रहे हैं आप, तो लोहा अगर 100 रुपये किलो है इस वक्त, तो आपने ख़रीदा, 5 सेकंड के बाद लोहा ना 101 रुपये किलो हुआ, आपने ठग बेच दिया उसको, ठीक है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड होती है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ज़रिए होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रेड कर रहे होते हैं,
सही है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रेड कर रहे होते हैं और कंटिन्यूसली बैंक के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रहे होते हैं और यहाँ से निकाल रहे होते हैं। वो निकलना और डिपॉजिट होना ना, ये दिन में लाखों दफ़ा हो रहा होता है जो बैंक के केसेस में। स्टॉक एक्सचेंज में जो ये ट्रेड करते हैं ना, वो इंसान थोड़ी बैठे हुए हैं, वो तो कंप्यूटर बैठे हुए हैं सारे। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड को गूगल कीजिएगा। तो अगर इनका सिस्टम डाउन होगा तो ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड में तो ये मार खा जाएंगे, इनका नुकसान हो जाएगा सारा। तो ये कभी भी इनका सिस्टम डाउन नहीं होता, ये झूठ बोलते हैं, ठीक है। और सीक्वल डेटाबेस बावजूद इसके के पुराने हैं, लेकिन आप ओरेकल का ज़रा लाइसेंस तो चेक करें, पता नहीं $70,000 का लाइसेंस है, पर्सनल लाइसेंस, यानी एक उसमें चलेगा सिस्टम, एक $70,000-$80,000 का वो लाइसेंस है। तो इतना महंगा लाइसेंस जब वो बेच रहे हैं ना, तो इसका मतलब है वो उसको सेट किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। ओरेकल जो है वो सीक्वल डेटाबेस है, बावजूद इसके कि वो सीक्वल है, लेकिन वो बिल्कुल ओके है, सेट है, कोई उसके अंदर मसला नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है वो। हाँ, लेकिन एक मसला है, तो बैंक को उससे लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, वो मसला जो है ना वो बैंक ने अभी तक फेस नहीं किया। वो जो सीक्वल डेटाबेस है वो चूंकि 1980 में 90 में बना था वो, सही है ना, डॉक्टर ई एफ कोड करके एक साहब थे जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के लिए रिलेशनल डेटाबेस बनाया था, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उनको निकाल दिया, फिर वो चले गए सन माइक्रो सिस्टम, एक कंपनी थी उस ज़माने में, उसमें चले गए वो। बाद में उसका नाम चेंज करके इन्होंने ओरेकल वगैरह कर दिया, पता नहीं। तो वहाँ जाके उन्होंने वही डेटाबेस जो माइक्रोसॉफ्ट को बना के दिया, उनको भी बना के दे दिया। तो ये दोनों की अब रेस लगती रही, फिर बाद में ओरेकल उसमें आगे निकल गया, माइक्रोसॉफ्ट पीछे रह गया। तो ये उस ज़माने में बना हुआ डेटाबेस है। तो उस ज़माने के ज़रूरतों के हिसाब से बना हुआ है, अभी की ज़रूरतों को इसमें हिसाब से नहीं बना हुआ। मिसाल के तौर पर नंबर एक बात, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सीक्वल डेटाबेस, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर हो, चाहे ओपन सोर्स MySQL जो ओपन सोर्स है वो, कोई सा भी सीक्वल डेटाबेस हो, वो बिग डेटा को हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी डेटाबेस हो जो सीक्वल है वो बिग डेटा को हैंडल नहीं कर सकता। बिग डेटा किस तरह के डेटा को कहते हैं, ये हम एक बात करके ना आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, टाइम हमारा काफ़ी आगे हो गया, यही डिस्कशन में हमारी अभी 20-30 मिनट और लगेंगे। अच्छा, तो मैंने ये बताया कि बिग डेटा सिर्फ नो सीक्वल जो डेटाबेसेस है ना, नए वाले MongoDB जो है वो हैंडल कर सकता है, और भी MongoDB के अलावा भी हैं। तो बिग डेटा कोई बता सकता है कि बिग डेटा किस चीज़ को कहते हैं, क्या भला है बिग डेटा? बिग डेटा जैसे किसी IoT डिवाइस की आउटपुट है, बहुत से टेम्परेचर सेंसर डेटा भेज रहे हैं, या कोई एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोफिजिकल डेटा है, या मार्केट का डेटा है जो, या फिर किसी जैसे मेडिकल डिवाइस से आने वाला डेटा है, पर सेकंड, एक सेकंड में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एंट्रीज आ रही हैं, तो इस तरह का डेटा जो है वो बिग डेटा कहलाता है। बड़ी अच्छी बात की अफजल अहमद ने, बड़ी अच्छी बात की अफजल अहमद ने। तो मैं अपना सवाल थोड़ा सा इन्हांस करता हूँ कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो किसी डेटा में अगर हो तो हम कहेंगे कि ये बिग डेटा है। कोई और अपना ओपिनियन शेयर करना चाहे? अफजल अहमद ने तो बड़ा करीब करीब बात की है उन्होंने बहुत, और मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा आंसर। अगर कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स बोले तो, कॉम्प्लेक्स बोले तो क्या मतलब? अच्छा, और कोई, और कोई अपना ओपिनियन शेयर करना चाहे? सर, अगर रॉ फॉर्म में बहुत सारा डेटा हो, रॉ फॉर्म में बहुत सारा डेटा हो, आपने भी करीब करीब बात की है। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, तीन क्वालिटीज़ किसी भी डेटाबेस में, अगर ये तीन क्वालिटीज़ मौजूद हों तो हम उसको कहेंगे कि ये बिग डेटा है। अच्छा, एक होने से काम नहीं चलेगा, दो होने से, तीनों एक साथ होनी चाहिए, तीनों ये क्वालिटी एक साथ मौजूद होंगी तो ही वो बिग डेटा कहलाएगा। अगर तीन में से कोई दो है, सही है, या कोई एक है, ठीक है, तो नहीं होगा। तो तीनों क्वालिटी बैक वक्त अगर किसी डेटा में मौजूद है तो वो बिग डेटा कहलाएगा। नंबर एक, डेटा का जो वॉल्यूम है ना वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, कि डेटा जो है वो, एक तो है ना कि यार मिसाल जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब ये वीडियो अभी हो गई है 16 GB की, ठीक है, तकरीबन एक घंटा
50 मिनट की वीडियो हो गई है और ये 16 GB दिखा रहा है मुझे ये कि 16 GB की हो गई है। 16 GB इज़ नॉट अ बिग डील, 16 GB इज़ नॉट अ बिग डेटा, ठीक है। ये जब तक टेराबाइट को क्रॉस नहीं करेगा ना तो हम इसको बोलेंगे कि यार ये छोटा वॉल्यूम है, ठीक है। कोई 20 25 40 50 टेराबाइट का जब ये डेटा होगा तो हम कहेंगे अच्छा यार ये वॉल्यूम बड़ा है, ये बड़े वॉल्यूम का डेटाबेस है। तो पहला तो एक ये हो गया कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, उसका साइज़ उसका बहुत ज़्यादा हो। नंबर दो, अच्छा साइज़ तो किसी भी का ज़्यादा हो सकता है। मिसाल के तौर पर यही वीडियो अगर मैं 6-8 घंटे की बना दूँ, या मिसाल के तौर पर यूट्यूब पर मेरे पास ये इस क्लास की 25 गालबन वीडियो हो चुकी है अभी तक ये मिला के, तो 25 वीडियो अगर 2-2 घंटे की है तो ये तो हो गया ना 2-3 टेराबाइट तो हो गया ये 16 GB के हिसाब से। अच्छा कुछ 40-40 GB की भी हैं, ठीक है, जिसमें मेरा फेस ज़्यादा आता है ना उसका साइज़ बढ़ जाता है, पता नहीं क्या वजह, मतलब यानी मूवमेंट होती है शायद इसमें, मे बी इस वजह से, जहाँ पे स्क्रीन होती है सिर्फ उसका साइज़ इतना नहीं होता। तो क्या ये बिग डेटा हो गया? क्या मेरे पास अगर 200 वीडियोज़ मौजूद हैं क्या कहते हैं यूट्यूब पे और सारी वीडियोज़ जो हैं वो 40-40 GB की हैं तो 2-3 टेराबाइट तो हो गया डेटा ये शायद, पता नहीं कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा। तो क्या 2-3 टेराबाइट ये हो गया, अगर ये 40 टेराबाइट भी हो गया ये, तो क्या ये बिग डेटा है? अच्छा इसका जवाब जानने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या बाकी की जो दो क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि टोटल 3 है ना, एक तो क्वालिटी हो गया कि भाई 40 टेराबाइट का डेटा है, तो क्या बाकी की दो क्वालिटीज़ उसमें मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो फिर मैं उसको बिग डेटा बोलूँगा। अच्छा तो बाकी की दो क्या हैं? नंबर दो क्वालिटी जो है वो डेटा जो है वो बहुत रैपिड होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी उस डेटा की, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे फ़ोन कॉल्स का जो डेटा है, आपको पता है गवर्नमेंट, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट जो है वो फ़ोन के कॉल को रिकॉर्ड करती है, ठीक है, ट्रेस करती है, और उसका एक रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास। जैसे हमारे यहाँ PTA की सूरत में एक इदारा बना हुआ है जो बाकायदा इस सिस्टम को देखता है पूरे को। मोस्ट प्रॉबली, मुझे नहीं पता उन्होंने डॉक्यूमेंट पे ये ओपनली बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ, लेकिन मोस्ट प्रॉबली PTA जो है वो तमाम कॉल्स को रिकॉर्ड करता है, तमाम मैसेजेस जो हम एक दूसरे को करते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं PTA पे। PTA का कोई होगा इदारा जहाँ पे कोई सिस्टम लगाया होगा जहाँ पे वो रिकॉर्ड होता होगा। तो क्या ये बिग डेटा है? कॉल्स का डेटा, कॉल्स की जो रिकॉर्डिंग है, हम जो कॉल पे डेली बात करते हैं, कोई 5 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 1 मिनट बात कर रहा है, छोटी सी कॉल कर रहे हैं, कोई लंबी कॉल कर रहे हैं, ये कॉल जो रिकॉर्ड होती है, तो क्या ये बिग डेटा है? इसका साइज़ तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में टोटल आबादी 20 करोड़ है और 20 में से 10 करोड़ के पास तो मोबाइल होगा, ठीक है, आधे लोगों के पास तो होगा मोबाइल, तो बल्कि शायद ज़्यादा के पास होगा। तो इमेजिन करें आप 10 करोड़ मोबाइल फ़ोन, अगर हर बंदा दिन में सिर्फ 1 मिनट की भी कॉल करे ना, 1 मिनट की कॉल करे अगर, तो वो 10 करोड़ मिनट हो गए। 10 करोड़ मिनट जो है रिकॉर्डिंग है 10 करोड़ मिनट की, उसका साइज़ क्या होगा? 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं भाई? दबे 10 करोड़ मिनट टू आवर्स लगा रहा हूँ मैं, तकरीबन ये कितने आवर बने? 1, 10, 100, 10,000, 10 लाख, 10 लाख, 16 लाख घंटे बने ये, 16 लाख घंटे, ठीक है। ये एक कितने बने? हाँ डे में भी करके देखते हैं, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ फिर कितने पे, आवर्स को 24 से करूँगा ना, तकरीबन ये 1, 10, 100, 10,000 69,000 डेज बनते हैं ये। अगर उसको प्ले कर देना रिकॉर्डिंग को, तो 69,000 डेज तक वो रिकॉर्डिंग चलती रहेगी सीधी। मतलब इसने तो ईयर बनते पे चला गया ये। हाँ कई साल पे चला गया। अभी मैं ज़रा कैलकुलेट मारता हूँ कि 16 लाख घंटे जो है ना उसका साइज़ कितना होगा, अगर MP3 में रिकॉर्ड हो रहा है तो उसका साइज़ क्या होगा। अच्छा मैंने कहा कि भाई 128 किलो बिट पे जो है ना रिकॉर्ड हो रहा है, बिट रेट क्या था यार, लेंथ, अच्छा इसमें तो लेंथ में आवर्स आ रहे हैं, हाँ आवर्स आ रहे हैं ना, तो मैं इसमें आगे लिख देता हूँ 16 लाख आवर्स लिखे। मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? हाँ दिख रही है। ये कैलकुलेटर है ऐसी कि भाई अगर 16 बिट पे रिकॉर्डिंग हो रही है
सही है, सी डी क्वालिटी और 44 हर्ट्ज सैम्पल रेट है, स्टूडियो दो चैनल हैं, ठीक है। और किलोबिट जो है इसका क्या है, 128 किलोबाइट है, सही है, 128 मिनिमम है, मिनिमम, इससे कम पे कोई सॉन्ग रिकॉर्ड नहीं होता आमतौर पर। तो ये कितने एमबी बन गया, जीबी पे लगाते हैं 96 टेराबाइट बनता है ये अंदाजन। तो अगर 10 करोड़ लोग एक मिनट बात करते हैं डेली, ठीक है, जो कि 16 लाख घंटे बनते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग बनेगी 96 टेराबाइट की एक दिन की, ठीक है। तो क्या 96 टेराबाइट बिग डेटा है? यस सर। अब इसका इस दूसरा, ये तीन क्वालिटी अभी तक इसमें हमने देखी नहीं है, तीनों देखेंगे फिर हम बता सकते हैं, अभी तक ये बिग डेटा नहीं है। दूसरा ये था कि फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है, रैपिड होगा, अगले दिन फिर कॉल करेंगे ना वो इतनी, भाई अगले दिन फिर कॉल नहीं करेंगे क्या? आज अगर एक मिनट, मेरे पास दिन में बहुत सारी कॉल्स आती हैं, ठीक है, अम्मी की कॉल आती है, रिश्तेदारों की कॉल आती है, स्टूडेंट्स की भी आ जाती है कभी, तो मेरा ख्याल है दिन में शायद मेरे पास 25 से 30 कॉल आती है ऑन एवरेज, जिसमें मैं एक एक दो दो मिनट बात करता हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ एक मिनट का काउंट किया, लेकिन आवाम कॉल करना बंद तो नहीं कर देगी ना, कल फिर कॉल करेगी आवाम, तो कल फिर 96 टेराबाइट। अब इतने में आप आज के दिन की रिकॉर्डिंग को प्रोसेस करेंगे कि किसने क्या बात की है, क्या कोई दहशतगर्दी तो प्लान नहीं कर रहा, क्या कोई प्रेसिडेंट के खिलाफ तो बात नहीं कर रहा इस रिकॉर्डिंग में, जब जब तक आप एआई इस पे रन करेंगे ना इस 96 टेराबाइट पे, अगले दिन दोबारा 96 टेराबाइट आ जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको प्रोसेस करेंगे इतने में, अगले दिन तो ये डेली आएगा। अब 96 को मल्टीप्लाई करते हैं ना 30 से, क्या बनता है 96 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये पूरे महीने में 2800 टेराबाइट का डेटा है, 2800 टेराबाइट। तो जो चैट कर रहा है उसकी तनख्वाह हलाल हो गई। नहीं, चेक तो खैर इंसान तो नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली कि इतना बड़ा डेटा आप प्रोसेस कर सकें। ये अमेरिका भी, बाय द वे, अमेरिका के भी बस की बात नहीं है कि ये बिग डेटा को प्रोसेस कोई भी नहीं कर सका आज तक ढंग से। जब 9/11 होने वाला था ना, तो जाहिर है लोगों ने कॉल पर बात की होगी आपस में, तो CIA को पता था कि कुछ होने वाला है, ठीक है, FBI ने भी रेड अलर्ट दिया था कि कुछ होने वाला है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। उनको डेट पता थी कि आज ही कुछ होने वाला है, उनको टाइम भी पता था कि इस टाइम पे होने वाला है, एग्जैक्टली पता था उनको ये, लेकिन ये नहीं पता था कि हम वो नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब फिर क्या रीज़न क्या है, क्यों इतना इसकी हाइप है? हाँ, यही तो बात है ना, ये असल में ये एज है बिल्कुल, इस वक्त टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी उसका एज है, समझ रहे हो, ये इधर आके खड़े हुए हैं इस वक्त, ये जो हम बात करें ना, वो हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये रिसर्चर लगे हुए हैं अभी इसके अंदर कि आगे क्या करना है, इसका रिसर्चर्स ना लगे हुए हैं कि इसको कैसे प्रोसेस कर। अब ये डेटा साइंस की तरफ बात चली जाएगी, मैं इसके ऊपर एक घंटे बोल सकता हूँ कि ये बिग डेटा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अब जब प्रोसेस नहीं कर सकते तो करते क्या है? जी, हम व्हाट्सएप का हमारा जो डेटा होता है वो सिक्योर होता है? नहीं, गवर्नमेंट को एक्सेस होता है, गवर्नमेंट को हर चीज़ का एक्सेस होता है भाई। ये आप छोड़ देंगे गवर्नमेंट को? देखें, मैं आपको बताऊं, टेलीग्राम क्यों बैन है पाकिस्तान में, क्योंकि टेलीग्राम ने मोस्ट प्रोबेबली, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, देखें जैसे फेसबुक है, गवर्नमेंट को ये एक डैशबोर्ड बना के देते हैं, एग्रीमेंट होता है इनका गवर्नमेंट से, हर दुनिया की हर गवर्नमेंट से, पूरे दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, इनको एक डैशबोर्ड बना के देते हैं, उस डैशबोर्ड पे ना ये जिस बंदे का भी नाम लिखेंगे ना, ईमेल लिखेंगे, उसकी सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इनके सामने आ जाती है, ठीक है, इसने अभी तक क्या पोस्ट किया है, किसको क्या मैसेज किया है, वो सब इनके सामने आ जाता है, ये फेसबुक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा एक डैशबोर्ड ये साइबर क्राइम यूनिट वाले जो लोग हैं ना, इनको बना के दिया हुआ होगा इन्होंने, मैंने देखा नहीं है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैं क्योंकि इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे पता है कि ये चाहिए होता है गवर्नमेंट को। अगर फेसबुक यहाँ से साइबर क्राइम वाले ना मैसेज करेंगे फेसबुक को कि भाईजान आपके इस डैशबोर्ड पे ना इस बंदे का फ़ोन नंबर नहीं शो हो रहा, इस बंदे ने पिछले 3 महीने में 4 फ़ोन नंबर अपडेट किए हैं, ठीक है, पुराना डिलीट किया, नया फ़ोन नंबर डाला है, तो चारों मुझे क्यों नहीं दिख रहा, वो चारों मुझे दिखना चाहिए, ठीक है, डेटा डिलीट तो करता नहीं है फेसबुक, वो चारों दिखाएगा। अगर फेसबुक ने बोला ना कि नहीं यार वो तो पुराना नंबर था, वो तो डिलीट कर दिया बंदे ने, अभी जो करंट है वो तो दिख रहा है ना आपको, वो कहेंगे ठीक है बंद, स्विच ऑफ, फेसबुक बंद पूरे पाकिस्तान में, ठक, अब कर लो जो करना है, ठीक हो गया। तो जो भी
सर मजाक के साथ ये मिसाल पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकती, ये हमारे तो जो चल रहा है बस चल रहा है। नहीं नहीं पूरे पूरी दुनिया में है ये भाई, पाकिस्तान में ये क्यों नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल ऐसा सर हमारे यहाँ सर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के इतना पावर नहीं है। आपकी सोच है ये, आपकी सोच है ये कि इतना पावर नहीं है ये कैसे, हमारी गवर्नमेंट का बहुत पावर है। हाँ नहीं ये आपकी सोच है भाई, ये हम पाकिस्तान जो है ना वो हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम आपकी सोच है हम कितने पावरफुल हैं, वो असल में हम फिफ्थ, हाँ हम सर, ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में हम जी रहे हैं। सर मैं अभी एक जगह आर्टिकल पढ़ रहा था कि चाइना के अंदर बाकी तो पूरा डैशबोर्डिंग के पास मौजूद है कि वो किसी टाइम भी सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर सकते हैं। हाँ हाँ हम भी कर सकते हैं, मगर मगर सर आपको याद होगा बीच में केस हुआ था तो सादत का, हम फेसबुक और यूट्यूब पे पाबंदी नहीं लगा सके। नहीं वो हम नहीं लगा सके ना, हम नहीं लगा सके, मसला ये सर हम तो हम लोगों को तो अलग बात है, जो करने वाले थे उन्होंने तभी किया, लेकिन 100% हम लोग पोस्ट को वहाँ से हटा भी नहीं सके। मैं वो भी बता रहा हूँ कि वो क्यों नहीं हटा सके, वो भी बताता हूँ मैं आपको। देखें यूट्यूब को बंद अगर करना है ना, यूट्यूब को अगर बंद करना है तो वो दो मिनट का काम है, कोई मसला नहीं है, वो अभी बंद कर देंगे बंद हो जाएगा, ठीक है। वो क्यों नहीं बंद कर सके वो भी अलग है, वो पॉलिटिकल रीजंस है ना उसके यार, पाकिस्तान पे प्रेशर होता है, दुनिया 10 जगह से प्रेशर होता है। अच्छा एक चीज़ और मैं मेंशन करना भूल गया, कि फेसबुक का वो जो डैशबोर्ड है ना उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई भी पोस्ट डिलीट भी कर सकती है, पता है आपको ये बात, आप ये एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। जी जी सर बताए। कोई भी पोस्ट की हुई है ना आपने, फेसबुक का जो डेटाबेस है वो आपको पता है ग्राफ डेटाबेस है, ग्राफ डेटाबेस में ये होता है कि अगर एक पोस्ट आप देख रहे हैं ना तो उस पोस्ट में कहाँ कहाँ वो शेयर हुआ है वो सब दिखता है आपको। तो अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो किसी भी एक फेसबुक पोस्ट को जहाँ जहाँ भी वो शेयर हुई हुई है जिस जिस ग्रुप में वो सब जगह से एक साथ डिलीट कर सकती है, पता है आपको ये बात, ये फेसबुक ने बना के दिया हुआ है, फेसबुक ने ये टेक्नोलॉजी बना के दी हुई है कि भाई ये लें आप, हाँ आप हमारे माई बाप हैं, आपकी आवाम ये फेसबुक चलाती है, आपका डैशबोर्ड ये आपका हुआ। लेकिन कुछ ऐसे ओरिजिन होते हैं जहाँ से वो उसको एक्सेस नहीं होता इनको, मिसाल के तौर पे कोई अगर बंदा अमेरिका से साइन अप हुआ है, अमेरिका में ही रहता है, अमेरिका से ही पोस्ट कर रहा है, वो वहीं बैठा हुआ है, सब कुछ वहीं का है उसका, तो वो वाली पोस्ट पाकिस्तान में विजिबिलिटी बंद कर सकते हैं, उसको डिलीट नहीं कर सकते, इस तरह का कोई मामला है, ठीक है। अच्छा यूट्यूब का भी यही केस है, यूट्यूब पे से आप जो है ना जो वीडियो यहाँ से अपलोड हुई है ना उसको तो डिलीट किया जा सकता है, जो ओरिजिन जिसका कहीं और से है और वो बंदा भी वहीं का रहायशी है और बंदा वेरीफाइड है कि वो अमेरिका का रहायशी है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे उसको वीडियो को आप हटा नहीं सकते वहाँ से फिर, ठीक है, वो वीडियो वहाँ रहेगी, उसको नहीं हटा सकते। हाँ ये कर सकते हैं आप कि यूट्यूब पूरा ही बंद कर दें, उड़ा दें पूरा, बोलें भाई ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लेकिन मसला ये यूट्यूब से हमारे बहुत सारे धंधे बंद हो जाएंगे अगर हमने यूट्यूब बंद कर दिया तो, क्योंकि हमारी भी तो इकोनॉमी बहुत बड़ा इन्हसार है ना यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब हमें बहुत पैसा देता है, पता है आपको YouTube जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स YouTube से पाकिस्तान में आते हैं, जो इतने सारे यूट्यूबर्स हैं ये जो डबल डोरें लेके फिर रहे हैं ये कहाँ से लेके फिर रहे हैं, YouTube पैसे देता है ना यार वीडियो डालने के, YouTube बहुत पैसे देता है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए महीने के, आप मिलियंस की बात होता है ना, हाँ तो करोड़ों रुपए, ये हमारे जो प्रैंकस्टर है एक बहुत बड़ा, क्या इसका नाम है जो वो रास्ता चलते सर पे पानी डाल के भाग जाता है, पी फॉर पकाओ, आप उसकी जरा डॉक्यूमेंट्री देखिएगा वो कितने करोड़ कमाता है महीने के यूट्यूब से, वो तकरीबन 19 से 20 करोड़ महीना कमाता है, 19 से 20 करोड़ वो कमा रहा है सर, हजारों यूट्यूबर हैं पूरे पाकिस्तान में, तो जाहिर है वो सारे बंद हो जाएंगे ना फिर, यूट्यूब इस वक्त टीवी चैनल को भी पीछे छोड़ दिया उसने, इतना बड़ा हो गया यूट्यूब, तो जाहिर है उसको हम ऐसे एक झटके में बंद नहीं कर सकते, फिर हम उसको बंद करेंगे यूनाइटेड नेशन में वो कहेंगे आके कि यार इन्होंने हमारा जो है ना वो बंद कर दिया, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के दुश्मन हैं ये सारे, तो वो कहेंगे यार ये तो पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, सही है वो उधर मस्तियाँ करते हैं, फिर तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उसको बंद नहीं कर सकते, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर यहाँ से कुछ होती है कई दफ़ा हुआ है तो बाहर से बंद कर दी जाती है वो चीज़, हाँ उसको नहीं कहते ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, नहीं तो वो दम की बात है ना, वो दम की बात, यूट्यूब का अकाउंट हैक होता है, बिल्कुल होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी पूरा एक डिपार्टमेंट है उसका, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से लोगों ने कोर्सेज लॉन्च किए हैं, आप जाके पढ़ें वो पता चल जाएगा आपको सिक्योरिटी ब्रीचेस जो होती हैं उसके अंदर कैसे होती हैं वो, ठीक है। तो पॉइंट कहने का मेरा ये है कि भाई दम की बात है सर, ये तो मैं बोल रहा हमारे पास न्यूक्लियर और हमें डरता है, हमारा अंदर दम ही नहीं है, हम तो बम की बात समझ रहे थे, आप दम की बात कह रहे हैं। असल में बम होना मसला नहीं है ना सर, बम होना मसले का हल नहीं है सर, तो जब मिसाल के तौर पर आपके पास अगर बम है ना तो आप ज़्यादा वल्नरेबल हैं, सही है, जब तक बम नहीं है जब तक तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना फिर आपकी, बिल्कुल ये तो है, जो
बंदा मिसाल के तौर पे अपने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए अगर वेपन रखा हुआ है ना अपनी जेब में, तो आप ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो क्योंकि आपने वो यूज़ भी नहीं कर सकते, आप जाहिर है पब्लिक को मार तो नहीं सकते ना, और आपको फिर सिक्योर भी करना है अपने आप को, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है फिर। तो पॉइंट कहने का ये है कि भाई जो हम जी रहे हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में, इसको गूगल कीजिएगा आप कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या चीज़ है, लोग मुख्तलिफ लोगों की राय है। ये जो गन गोला बारूद है ना, ये जहाज़ से मिसाइल गिरा दिया, ये फर्स्ट जनरेशन है, आर्टिलरी जिसको कहते हैं, आर्टिलरी में जो जो चीज़ें आती हैं ना, गन गोला बारूद माइंस और ये गोरिल्ला भेज दिया और पता नहीं जो भी ये करते हैं सारे मिलिट्री ऑपरेशन, जो ऑन ग्राउंड होते हैं ना, जो ग्राउंड के ऊपर जो मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं और हवा में जो होते हैं और बहरी पानी में, ये फर्स्ट जनरेशन है। सेकंड जन अभी पांच जनरेशन हैं, वो विकिपीडिया का एक बड़ा अच्छा पेज है, वो आप पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है ना, वो ऐसी वॉरफेयर है कि उसमें बड़ी बड़ी नेशंस हार चुकी हैं और एक बंदा भी नहीं मरता है और पूरा मुल्क कब्ज़ा हो जाता है। ये इन्होंने भेजा है आतिफ उमर ने, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। तो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है ये, मैंने काफ़ी पहले इस पर स्टडी किया था मैंने, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। तो ये एक ऐसा वॉरफेयर हम जी रहे हैं जिसमें जंगें सरहदों पे नहीं होती है, जंगें होती हैं इधर कंप्यूटर के आगे बैठ के आपस मुल्क के अंदर, ऐसी बात अफवाह फैला दी जाती है कि मुल्क में इंतशार फैल जाता है, लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये सुन्नी शिया के फसादात क्या है, ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है भाई। ये बलूचिस्तान में जो रहा है ये क्या है, ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है। इंडिया का इन्फ्लुएंस कैसा है, इसमें इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर अटैक्स तो लिखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लिखी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा वेपन है इस वक्त। मैं कल बल्कि सैलानी की क्लास में यही डिस्कस कर रहा था, मेरी कल वाली रिकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, लेकिन वो थोड़ी सी मैंने बात की थी 2 मिनट की। अब ये एक बहुत दूसरी टॉपिक की बहस है ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना बड़ा वेपन है, और अभी अगले 10 सालों में तो वैसे भी ये सब उल्टा पुल्टा होने वाला है, ठीक है, ये सब चेंज होने वाला है अगले 10 सालों में एआई की वजह से। एआई की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आपको पता है दुनिया का 1% दुनिया का 15% जो आबादी है ना, वो ड्राइविंग करती है। ये सेल्फ ड्राइविंग कार से वो 15% ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको जंग के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, जंग के पर्सपेक्टिव से। आपने टर्मिनेटर मूवी देखी है? टर्मिनेटर मूवी जो है ना, उसके अंदर टर्मिनेटर रोबोट होता है, वो बंदे को पहचानता है। वो आता है रिपीटर लेके, कहता है हु इज सारा कॉर्नर, कहता है कोई नहीं है, धड़ धड़ दोनों को मार के निकल जाता है। वो सारा कॉर्नर को ढूंढ के निकालता है और ढूंढ के निकाल के मारता है। आप इमेजिन करें 10-12 हज़ार इस तरह के सोल्जर अगर आ गए किसी कंट्री में, और उन रोबोट्स के अंदर ना जितने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी फ़ोटो उसको फीड करके भेजा है किसी ने कि यार जाके आपने फला फला बंदों को ही मारना है, किसी और को नहीं मारना, ख़त्म गेम आपका। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेपनाइज अगर करेगा ना जो भी, इसको बहुत तबाहकार है, ये तबाहकारी बहुत बड़ी है इसकी एआई की। इमेजिन करें आप ड्रोन है, एक छोटा सा ड्रोन, इतना सा ड्रोन, उसमें एक नीडल लगी हुई है जहर वाली, उसको बस उड़ता उड़ता आएगा, बंदे की शक्ल पहचानेगा, ठुक मारेगा, ख़त्म। ड्रोन में मच्छर बनाए हुए इन्होंने और बहुत बारीक छोटी छोटी मक्खियाँ, बहुत चीज़ें। ये तो मैंने आपको वो चीज़ बताई है जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग। आपको पता है टिकटॉक इस वक्त इंडिया ने टिकटॉक को और मज़ीद 25 एप्लीकेशंस को जो चाइना से ओरिजिन हुई हुई थी उसको ब्लॉक किया है। अभी लोग कह रहे थे टिकटॉक को बैन कर दिया, बेवकूफ़ हैं ये है वो। मैंने केस स्टडी पढ़ी इसकी रिसेंटली, केस एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब की, वो मैं देख रहा था कि वाई टिकटॉक इज़ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इन अमेरिका, इन इंडिया, इन पाकिस्तान। टिकटॉक इज़ द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, आप इमेजिन कर सकते हैं ये। आप बोलेंगे यार टिकटॉक में तो नाच गाना चल रहा है, ये कैसे नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेड हो सकता है? तो आप ये गूगल कीजिएगा आपके कैसे, और वो एआई इसमें शामिल है, ठीक है। तो टिकटॉक को इसीलिए इंडिया ने बंद किया, और इंडिया ने सही डिसीजन लिया। जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी ना, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी उन्होंने पढ़ के दिखाई कि उन्होंने कहा यार हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम आपके की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड करते हैं, आपके मोबाइल में कौन सी ऐप इंस्टॉल है, ठीक है, उनके नाम क्या है, कौन कौन सी फाइल इंस्टॉल है, जो फाइल बनती है ना फोटो खींचते हैं फाइल क्रिएट हो जाती है अंदर फोटो, कह रहे हैं वो कौन सी फाइल है, उनके नाम क्या है उन फाइलों के, आपका पैटर्न क्या है की स्ट्रोक का पैटर्न, और आप कौन सी की प्रेस कर रहे हैं। ये की लॉगर है काइंड ऑफ, टिकटॉक जो है वो की लॉगर है आपका, की लॉगिंग करता है आपकी वो, कि आप कौन कौन सा बटन दबा रहे हैं, चाहे वो कोई पासवर्ड हो कुछ भी हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। उसके अलावा एआई के ज़रिए आपको वो ऐसी चीज़ दिखाता है कि आप उससे नज़र ही नहीं हटती आपकी,
ठीक है, वो ऐसी आप खोल के देख लें, यूट्यूब खोलें आप, आपको वो चीज़ें दिखाएगा जो आप सोच रहे होंगे ना, यूट्यूब आपको सामने दिखा देगा, आपने बोला भी नहीं होगा मुंह से अपने, वो आपको सामने दिखा देगा। अभी देखें, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की, और अभी मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक की, आप देखें आपको वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी, मैं शर्त के साथ बोल रहा हूँ, आपको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की डॉक्यूमेंट्रीज नज़र आना शुरू हो जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, दिस इज़ AI। और सब में बड़ा प्रॉब्लम ये है टिकटॉक के साथ कि टिकटॉक जो है वो चाइना का प्रोपेगेंडा मशीन है। अब प्रोपेगेंडा मशीन जो है ना, ये मास कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है, ये प्रोपेगेंडा, व्हाट इज़ अ प्रोपेगेंडा मशीन, ये आपको स्टडी करना होगा इस मसले को समझने के लिए कि टिकटॉक जो है वो चाइना में क्या दिखाता है, अमेरिका में क्या दिखाता है और पाकिस्तान में क्या दिखाता है। ठीक है, अमेरिका में वो सिर्फ नाच गाना दिखाता है और लाइफ हैक्स दिखाता है, चाइना के अंदर जो आप खोलेंगे ना टिकटॉक तो वो आपको अचीवमेंट्स दिखाएगा, आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ दिखाएगा। ठीक है, आपको वो चाइना के अंदर क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो दिखाएगा। आप मुझसे गारंटी लें, आप टिकटॉक के ऊपर कोई भी वीडियो डालें जिसमें चाइना की बुराई हो रही हो और वो अगर हिट हो गई ना टिकटॉक पे, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, टिकटॉक का एल्गोरिथम है वो ये करता है कि जिस चीज़ में चाइना की तारीफ हो रही है ना उस वीडियो को ऊपर लाता है, जिस चीज़ में चाइना की बुराई हो रही है उसको नीचे लेके जाता है। दिस इज़ हाउ चाइना इज़ गोइंग टू बिकम अ सुपर पावर। टिकटॉक अगर कोई एक चीज़ है ना जो इस वक्त जो चाइना कर रहा है, जो चाइना को सुपर पावर बना देगी, वो टिकटॉक है। अगर टिकटॉक को रोका नहीं ना, अमेरिका में बैन अगर नहीं हुआ इसके ऊपर, हट गया बैन, तो अमेरिका गया, कुछ भी नहीं कर सकते आप इसका, क्या करेंगे आप, कुछ भी नहीं कर। इवन दो के ऊबर ने, आपको पता है ऊबर जब शुरू शुरू में लॉन्च हुआ था तो बहुत सारी कंट्रीज़ में ऊबर बैन होता था, ठीक है, कराची में भी बैन हुआ है आपको पता है। तो ऊबर ने क्या किया था, एक ग्रे बॉल, पता नहीं इस तरह का कोई नाम था, उन्होंने एक एल्गोरिथम लिखा था ग्रे बॉल का। उसमें होता ये था कि अगर आप, ज़ाहिर है एक कराची के अंदर ऑफिशियल जो बिल्डिंग्स हैं गवर्नमेंट की, वो कितनी हैं, गिनती की होंगी, 20 होंगी, 50 होंगी, 200 होंगी, 500 होंगी, वो एक बंदा बैठता था उनका, कराची के अंदर जितनी ऑफिशियल बिल्डिंग है सब पे मार्कर लगाता था कि यार ये ऑफिशियल बिल्डिंग है, ये CIA का दफ्तर है, ये FIA का दफ्तर है, ये साइबर क्राइम वालों का दफ्तर है, ये पुलिस स्टेशन हैं सारे। अब आप क्या होता था कि जब उन बिल्डिंग्स के अंदर बैठ के आप जब ऊबर की ऐप बुक करते थे ना, ऊबर खोलते थे आप, तो ऊबर की एप्लीकेशन ही आपको दूसरी नज़र आती थी। आप उसमें राइड बुक करते थे, वो आती नहीं आपके पर राइड, आपको दिखता कि यार अच्छा मेरे पर राइड बुक हो गई है, फला इसका नाम है राइडर का, ये आ रहा है, आपको दिखता है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आते आते इसने राइड कैंसिल कर दी, समझ रहे हैं आप। ये किया था उन्होंने, और बताया उन्होंने, वाइट पेपर लिखा है बाकायदा अभी कि जो ग्रे बॉल हमारा था वो क्या था और कैसे, अभी भी चल रहा है वो ग्रे बॉल उनका। अब वो आप, उसने कैंसिल कर दी, फिर दूसरा आ गया आपके पास कैप्टन, अब आप देख रहे हैं यार ये भी कैप्टन आ रहा है फला जगह पर है। अच्छा आप अगर भेजेंगे भी ना वहाँ के, यार फला जगह पर ये गाड़ी आ रही है इसको रोक लो, वो गाड़ी है ही नहीं वहाँ पर, वो उनको पूरी ऐप दूसरी दिखा रहा होता था ऊबर, ये करता था ऊबर, पूरी ऐप दूसरी दिखा रहा होता था उस खास जगह पर बैठे हुए लोगों को। अच्छा एक बार आप उस बिल्डिंग में एंटर हो गए ना, तो आप पे प्रोफाइलिंग हो गई आपकी कि ये गवर्नमेंट का बंदा है, बस अब आप कभी भी ज़िंदगी में ऊबर की राइड बुक नहीं कर सकते। ये उन्होंने अभी डॉक्यूमेंट्री देखी है मैंने पूरी उनकी, उन्होंने बाकायदा बताया है कि हमने ये एल्गोरिथम लिखा था, इस तरह हमने अपने बिजनेस को बचाया है, और पूरी दुनिया में हर कंट्री में इन्होंने ये किया है, क्योंकि हर कंट्री में बैन करते थे इसको लोग। ठीक है, तो AI इज़ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। गवर्नमेंट का बंदा भेज जाएगा तो क्या होगा? नहीं, वो गवर्नमेंट वाले उनको रोक लेते थे ना, बंद कर देते थे पकड़ के कि यार ये ऊबर इलीगल है, नहीं चलाओ यहाँ पे। बीच में जब ऊबर इलीगल किया था इन्होंने, तो क्या किया था, यही तो किया था, ऊबर की ऐप नहीं बंद की थी इन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला था यार ऊबर अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका और आपने बोला कि मैं ऊबर का ड्राइवर हूँ, तो आपकी गाड़ी भी बंद, आप भी बंद। मेरा एक दोस्त है वो भी बंद हो गया था बेचारा करीम चलाता था वो, और वो मीरा उसने ख़रीदी थी गाड़ी, इनको पता था देख के यार अच्छा मीरा वगैरह ना ये नई गाड़ी यही लोग चलाते हैं, उसने रोका कहा हाँ भाई किधर जा रहे हो, उसने कहा भाई करीम का ड्राइवर, उन्होंने कहा चलो भाई आ जाओ, तो मैं तुम्हारा ही तो इंतज़ार था। तो 10-12 इन्होंने ड्राइवर बंद किए, फिर बुलाया कंपनी को कि आ जाओ बेटा बात करने के लिए, तुम्हारे ड्राइवर पकड़ लिए हमने। लेकिन बहरहाल वो किसी ना किसी लेवल पे उन्होंने जुगाड़ें अपनी निकाली भी थी। तो भाई हमने क्या डिस्कस किया आज कि बिग डेटा के अंदर क्या, अच्छा तीसरी क्वालिटी तो डिस्कस ही नहीं की हमने अभी तक, हमने तो अभी दो डिस्कस किए, एक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज़्यादा होगी, और नंबर तीन उसका कोई स्कीमा नहीं होगा, उसका कोई स्कीमा नहीं होगा भाई। अब कौन मुझे ये बताएगा कि इसका क्या मतलब है? हाँ स्कीमा क्या होता है, ये भी एक बड़ी अच्छी सवाल है। देखो स्कीमा ये होता है, फेसबुक की पोस्ट है ना, उसका एक स्कीमा है, फेसबुक की हर पोस्ट में बंदे का नाम होता है कि किसने की है पोस्ट, उसकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, उसका डेट और टाइम होता है, उसका
क्या कहते हैं वो पब्लिक है या प्राइवेट है, ये डेटा होता है साथ में। फिर उसके अंदर एक टेक्स्ट होगा, उसके अंदर एक शायद एक फ़ोटो या वीडियो होगी, कमेंट्स की एक तादाद होगी, लाइक की एक तादाद होगी। ये एक पैटर्न है, फेसबुक की जितनी भी पोस्ट आप देखेंगे सब में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। दिस पैटर्न इज स्कीमा, डेटा स्ट्रक्चर यानी कहेंगे स्ट्रक्चर होगा, एक उसका स्ट्रक्चर डेटा होगा वो, ठीक है। तो ये MongoDB में भी स्कीमा बनता है? नहीं, स्कीमा बन जाता है लेकिन स्कीमा की जरूरत नहीं है इसके, वो बना लेते हैं हम भी बनाएंगे, स्कीमा पे ही काम करेंगे हम, लेकिन स्कीमा लेस है ये। स्कीमा नहीं भी होना तो MongoDB को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हमें तो डाटा चाहिए होगा ना स्कीमा के जरिए, तो हम लाइक, अरे भाई मेरा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि बिग डेटा को कोई स्कीमा नहीं होता। वैसे तो हम जब डेटाबेस बनाएंगे, जैसे बैंक का डेटा है, जाहिर है बैंक का डेटा तो स्कीमा के लेस होगा तो फिर तो बड़ा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। बैंक का डेटा तो स्कीमा होगा, ठीक है, कि भाई मैं अगर किसी को पैसे भेज रहा हूँ तो किसको भेज रहा हूँ, कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, कितनी रकम भेज रहा है, ये स्कीमा है ना इसका। अगर इसमें से एक भी चीज़ मिसिंग होगी ट्रांजेक्शन पूरी हो ही नहीं सकती। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तीसरी क्वालिटी है ना बिग डेटा की, तीसरी क्वालिटी जो है, इसका स्कीमा नहीं होता। अच्छा, अब मुझे ये सोच के ज़रा बताएं कि क्या फ़ोन कॉल जो मैंने मिसाल दी थी वो बिग डेटा है या नहीं है, तीसरी क्वालिटी यानी स्कीमा लेस, क्या वो स्कीमा लेस है बिग डेटा जो है, जो कॉल की जो हमने बात की थी, फोन कॉल से सर बिग डेटा नहीं। फ़ोन कॉल में एक स्कीमा तो होता है कि कौन फ़ोन कॉल कर रहा है, कौन कर रहा है और किसको कर रहा है। जो फ़ोन कॉल कर रहा है उसका NIC नंबर, उसका तमाम डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं, जाहिर है नंबर NIC पे रजिस्टर होता है। जिसको कर रहे हैं उसका तमाम डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जो करने वाला है वो कहाँ बैठा हुआ है, जो रिसीव करने वाला है वो कहाँ बैठा हुआ है, ये स्कीमा यहाँ तक तो है। लेकिन एक चीज़ का स्कीमा नहीं है, जो मेन कन्वर्जेशन क्या हो रही है उसका कोई स्कीमा नहीं है। कन्वर्जेशन का कोई क्या स्कीमा हो सकता है MP3 का वॉइस? नहीं, वो तो मैं रिकॉर्ड MP3 में कर रहा हूँ ना, लेकिन इसका कोई स्कीमा नहीं है ना। और जो मैं कन्वर्जेशन कर रहा हूँ इसका क्या स्कीमा है, कोई स्कीमा नहीं है। मिसाल के तौर पे स्कीमा इसका ये हो सकता था कि जितने भी लोग कॉल करेंगे पाकिस्तान के अंदर वो उर्दू में बात करेंगे, एक स्कीमा हो सकता था ये। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि जितने भी लोग कॉल करेंगे वो उर्दू में बात करेंगे। लोग पश्तो में भी बात करते हैं, अंग्रेज़ी में भी बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर 200 पता नहीं 300 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, वो मेन स्ट्रीम की ज़ुबानें हैं। फिर इलाकाई ज़ुबानें, मतलब आप पंजाब के हर गाँव में ना, यानी 5-5 किलोमीटर पर फ़र्क है गाँव, हर गाँव की ज़ुबान अलग है। पंजाब में पंजाबी है सारी, लेकिन हर ज़ुबान अलग है, थोड़ी थोड़ी फ़र्क है। फिर कोई पश्तो में बात कर रहा है, पश्तो भी 10 तरह की है। हज़ारे वाले जो है वो अलग पश्तो बोलते हैं, जो मियाँ वाली है वो अलग पश्तो बोलते हैं, जो पेशावरी हैं वो अलग बोलते हैं, KPK वाले भी थोड़ी अलग बोलते हैं। फिर कोई इंग्लिश में बात करेगा, कोई मेरे जैसा मम्मी डैडी अगर होगा तो कोई स्कीमा नहीं है। क्या बात करेगा, मिसाल के तौर पर क्या बात करेगा, इसमें स्कीमा ये हो सकता था कि पहले कन्वर्जेशन शुरू होते ही अपना नाम बताया, अपने वालिद का नाम बताया और अपनी उम्र बताया, फिर आगे की बात शुरू करें, है ना। जैसे दरख्वास्त लिखते हैं ना शुरू में, स्कीमा होता है कि बख़िदमत जनाब हेड मास्टर साहब फ़लाँ फ़लाँ स्कूल, और ये कि ऐसे पहले बोले कि भाई मैं बात करने की नियत करता हूँ अपने चाचू हजूर से और मुंह मेरा ऐसा भी नहीं है, कोई स्कीमा बात करने में तो आज़ादी है ना। हाँ। इसका तो वो स्कीमा आपको उसका फॉलो थोड़ी करेगा अगर आप बना भी दे तो। अब वो बच्चा भी हो सकता है, वो बूढ़ा भी हो सकता है, वो अंग्रेज़ी किसी भी दुनिया की कोई भी ज़ुबान में बात कर सकता है, कोई भी बात कर सकता है। हो सकता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हो, ठीक है, कोई प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं। हो सकता है कोई कारोबारी बंदा हो, वो कह रहा हो भाई देख नहीं पहुंची अभी तक, फला सामान मैंने मंगवाया था नहीं पहुंचा अभी तक। अच्छा, आवाज़ में शोर भी होगा कुछ में, कुछ क्लीन भी होगी आवाज़, कोई पता नहीं कि क्या होगा उसमें। हो सकता है कुछ कॉलें ऐसी हैं जिसमें कोई बात ही नहीं हो रही है, कॉल मिला के छोड़ा हुआ है। कोई हो सकता है रॉन्ग नंबर में मस्तियाँ कर रहा हूँ, बातचीत बात, हाँ, कोई रॉन्ग नंबर पे फ़ोन करके हेलो हेलो कर रहा हो बस, सामने से कोई कुछ बोल रहा नहीं हो। कोई लड़की की आवाज़ में किसी को बेवकूफ़ बना रहा है, कोई ज्वेलरी वाले को फ़ोन करके उससे सोने के रेट पूछ रहा है, कोई मेरे जैसा अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा है, हाँ भाई क्लास से फ्री हो गया हूँ मैं, आ जाओ बैठे कहीं चाय पे, ठीक है। तो कोई भी दुनिया की, आप इमेजिन करें ना, दुनिया की कोई भी बात हो सकती है उस कन्वर्जेशन में, स्कीमा नहीं है कोई कि क्या बात होगी, तो ये स्कीमा लेस है। अच्छा, फेसबुक की जो पोस्ट है क्या वो बिग डेटा है? वो भी बिग डेटा नहीं है क्योंकि उसके अंदर स्कीमा तो है, मगर वॉल्यूम ज्यादा है उसका, मगर स्कीमा नहीं।
अच्छा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, आधी दुनिया फेसबुक यूज़ करती है ना, 2 बिलियन तो हैं उनके यूज़र एक्टिव, 2 बिलियन एक्टिव यूज़र हैं, इस पर तो कोई दो राय नहीं है, सही है। टोटल 7 बिलियन आबादी है, तो 2 बिलियन उनके पास एक्टिव यूज़र होंगे, ऐसे अंदाज़ा है मेरा, ठीक है। और उन्होंने बोला भी इससे ज़्यादा ही का बोला हुआ, कम नहीं बोला हुआ। डेली अगर एक पोस्ट भी करता है कोई, तो 2 बिलियन पोस्ट हो गई डेली की, तो वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है, और डेली करता है। सरजिया की आप खोल के देखें, रोज़ इतनी पोस्ट करते हैं, रेहान अल्ला वाला को देखें आप, रोज़ इतनी पोस्ट करते हैं यार, पता नहीं वो आप, अभी एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी ना, अब मैं जाकर ढूंढूंगा तो मुझे 10-12 स्क्रॉल करने पड़ेंगे फिर जाके मिलेगी वो। तो कुछ ऐसे भी हैं जो हज़ारों पोस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एक पोस्ट भी अगर कोई करता है ना दिन में, तो 2 बिलियन पोस्ट बनती हैं डेली ही, अगले दिन फिर होगी इतनी पोस्ट, फिर उसके अगले दिन फिर होगी इतनी पोस्ट, तो वॉल्यूम तो ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है कि डेली बेसिस पे हो रहा है। सर यूट्यूब का अकाउंट अब कैसे होता है? यूट्यूब का अकाउंट अब कैसे होता है? अब कैसे होता है या हैक कैसे होता है? अब आपका क्या मतलब, ये मैं समझा नहीं। वो हैक कह रहे हैं मेरे। नहीं अभी छोड़ो यार, वो टॉपिक नहीं है हमारा, वो कोई नेटवर्क सिक्योरिटी का बंदा उससे पूछना, वो तो मैं सही गाइड करेगा, मैं ऐसे ही कुछ बोंगी मार दूंगा, फ़ायदा नहीं। सही है, नहीं हुआ मुझसे, मैंने एक ज़माने में बड़ी कोशिश की थी कि किसी का फेसबुक का अकाउंट हैक हो जाए, लेकिन व्हाट्सएप भी हैक किया। नहीं वो तो हैक नहीं किया होगा आपने, उसको कुछ और बोलते हैं कि आपने फ़ोन करके बोला होगा यार आपका इनाम निकला, ये नंबर बता दें आप, तो अच्छा अच्छा चले अच्छी बात है, मैं अभी सीख लूंगा किसी दिन फिर आपसे, लेकिन YouTube पर करने हैं, YouTube जिस तरह आपने बताया। अच्छा तो Facebook की जो पोस्ट है वो एक वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है और उसके डेटा की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, क्या उसका कोई स्कीमा है Facebook की पोस्ट का? स्कीमा भी है इनका, जैसे अभी बताया था एग्जाम्पल दी थी। हाँ वो तो उतना स्कीमा तो फ़ोन कॉल में भी था कि कौन किसको कर रहा है, जो करने वाला है वो कहाँ खड़ा हुआ है, जो रिसीव करने वाला है वो कहाँ खड़ा हुआ है, कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा है वो, कौन सा फ़ोन उसके पास है, ये सारा डेटा तो होता है फ़ोन कॉल पे रिकॉर्डिंग पे, ठीक है। ये तो स्कीमा फ़ोन कॉल में भी था। बाकी पोस्ट की लेंथ, लैंग्वेज, पोस्ट के अंदर लिखा हुआ क्या है भाई, पोस्ट में लिखा हुआ जो उसका कोई स्कीमा थोड़ी है, वो तो जो फ़ोन कॉल में वही फेसबुक की पोस्ट में। मैं अरबी में लिख दूँ पोस्ट जाके, मेरा भी बीच में एक दोस्ती हो गई थी, एक स्टूडेंट थी वो लिबनान से, तो वो उसने ऐड कर लिया, अब उसकी पोस्टें सारी अरबी में होती है, मैं क्या भाई क्या दगड़ दगड़ लिखा हुआ है तूने, अच्छा वो कमेंट भी अरबी में सारे मैंने हटा दिया, मैंने दफ़ा हो जाए, तो अरबी में ईरान वाले सारे अरबी में यूज़ करते हैं, लिबनान वाले सारे अरबी में लिखते हैं पोस्ट अपनी, ठीक है। जो चाइनीज़ हैं ज़ाहिर है चाइना में तो खैर बंद ही है, चाइना को तो छोड़ ही दो, जो दुनिया की हर कंट्री है वो अपनी अपनी ज़ुबान में पोस्ट, भाई हम कितनी पोस्टें उर्दू में लिख देते हैं, ऐसा है कि नहीं है, उर्दू रस्मुलख़त में जो लिख देते हैं हम पोस्ट बहुत सारी हैं, ऐसी इंग्लिश में होगी, उर्दू में होगी, कोई अपने रात को ऐसे 2 बजे लेटा लेटा दुखी हो रहा होगा अपनी एक्स को याद करके, वो कुछ शेर लिख देगा जाके, फेसबुक पोस्ट है वो, एक शेर लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है उसका शेयर का तो कोई मतलब नहीं होता आमतौर पर। हमारे पाकिस्तानी तो दोनों लिखते हैं, उर्दू इंग्लिश दोनों मिक्स करके, उर्दू इंग्लिश दोनों रोमन में लिख रहे होते हैं भाई, फिर आपका क्या सर AI जो तो रोमन पकड़ लेता है, मतलब हम तो लिखने का भी अंदाज अलग अलग होता है, जैसे नहीं को हम जो NI भी लिखते हैं, सिर्फ नहीं पकड़ लेता, सब पकड़ लेता है AI, सब पकड़ लेता है AI, उसको ट्रांसलेट भी कर देगा इंग्लिश में, लेकिन मसला ये है कि भाई 2 बिलियन पोस्ट को ट्रांसलेट करने में तो कल हो जाएगा, और कल फिर आ जाएगा 2 बिलियन इतनी देर में, तो पकड़ने का ट्रांसलेट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है। AI तो तमसा मांगना शुरू कर देगा। हाँ वो तो धुआं निकल जाएगा मशीन का 2 बिलियन पोस्ट को प्रोसेस करते करते। मैं व्हाट्सएप की वजह से पूछ रहा था कि पता चला मैसेज कोई पढ़ रहा हो, व्हाट्सएप का मैसेज कोई पढ़ रहा हो क्या मतलब? AI के जरिए मतलब डिटेक्ट कर रहे हो क्या, मतलब क्या बातचीत करता है बंदा ये? देखो ये तो तुम जहन से निकाल दो कि व्हाट्सएप का मैसेज तुम्हारा कोई पढ़ नहीं सकता, ठीक है। ये तो तुम अगर गलतफहमी किसी के भी जहन में ना कि मैं व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजता हूँ तो ये सिर्फ मैं और वो पढ़ सकते हैं, ये तो बेवकूफ़ी की बात है, ठीक है। प्राइवेसी समझ रहे हो ना, प्राइवेसी है, कोई प्राइवेसी नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट को हर चीज़ का एक्सेस है। हाँ जाहिर है, देखो अब मैं जो किसी से बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है, मेरी कोई हैसियत नहीं है ना, मतलब पॉलिटिकल लेवल पे मेरी क्या हैसियत है, कोई हैसियत नहीं है, ठीक है यार, ना मैं कोई बहुत बड़ा मिलियनेयर हूँ, तो मेरे व्हाट्सएप के मैसेजेस में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली,
मैं जो भी किसी से बात कर रहा हूँ, अच्छा हो भी अगर पढ़ भी ले कोई तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ता रहे भाई तू मेरी बोंगियाँ, तू पढ़ टाइम ज़ाया करो ना, मैंने टाइम ज़ाया कर लिया तू भी कर पढ़ के उसको, सही है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई अभी ये समझ लो कि आपके फेसबुक की जो पोस्ट है, आपके जो व्हाट्सएप में आपने जो भी कन्वर्जेशन की है, गवर्नमेंट को सबका एक्सेस होता है, ठीक है, पढ़ने दो उनको। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का क्या मतलब? एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, लेकिन की होती है ना उसकी, गवर्नमेंट के पास होती है वो, ठीक है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है वो, एक की होती है उसकी जिससे इनक्रिप्ट हुआ वो होता है, ठीक है, लेकिन वो की फेसबुक ने गवर्नमेंट को शेयर की हुई है, तो गवर्नमेंट आपके किसी भी मैसेज को खोल के देख सकती है, वापस बंद कर देती है फिर, ठीक है, इनक्रिप्टेड होता है। क्या होता है व्हाट्सएप की कॉल्स के भी रिकॉर्ड होते हैं सबके पास? हाँ सब रिकॉर्ड होते हैं। सर एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि सर ये जो तुम तीन तीन घंटे बाद होते हैं जीबी व्हाट्सएप आया हुआ है, मतलब ब्लू व्हाट्सएप, पता नहीं कौन कौन सा व्हाट्सएप, तो ये व्हाट्सएप का तो व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है यार, व्हाट्सएप एपीआई है, व्हाट्सएप ऐप तो नहीं है, व्हाट्सएप असल में एपीआई है, तो आप अपनी ऐप बना के चलाते हैं, ठीक है, टेलीग्राम ने भी यही किया, टेलीग्राम एपीआई है, ऐप नहीं है, आप अपनी ऐप बना दो टेलीग्राम के, वो कोई इशू नहीं है, वो हम बारह अभी का टॉपिक नहीं है। सर ये दोनों लड़के अपनी प्राइवेसी से बड़े परेशान हैं, ये सारे बोर अब्दुल बासित हैं। अच्छा भाई, तो हमने क्या देखा कि फेसबुक की जो पोस्ट होती है ना उसका भी जो एक्चुअल डेटा होता है ना उसका, उसका कोई स्कीमा नहीं होता, ठीक है, तो वो भी बिग डेटा है। तो जो बिग डेटा को सेव करने के लिए, ठीक है, बिग डेटा को जब हम सेव करते हैं तो वो हम कहाँ सेव करते हैं? MongoDB में, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक और बिग डेटा की मिसाल देता हूँ। अच्छा किसी ना किसी लेवल पे ना ये जो आपका फ़ोन कॉल और जो फेसबुक की पोस्ट है ये ना स्कीमा इसका आधा है आधा नहीं है, ठीक है, आधा स्कीमा तो है इसका। अब मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ जिसका इतना सा भी स्कीमा नहीं पता हमें, इतना सा भी नहीं पता, इसमें तो ये पता है ना कि अच्छा यार एक डेट होगी, एक नाम होगा, एक टाइम होगा, सही है, लोकेशन होगी दोनों बंदों की जो पोस्ट करने वाला है, पोस्ट देखने वाला है, ठीक है, फ़ोन कर, कुछ कुछ चीज़ों का स्कीमा है लेकिन मेन चीज़ का स्कीमा नहीं है इसमें, एक तो ये ना। अब मैं आपको एक ऐसी मिसाल देता हूँ जिसमें इतना सा भी कोई स्कीमा नहीं है, बिल्कुल ही अलग अलग है। आपको पता है इंटरनेट की जो ट्रैफिक होती है आपकी, ठीक है, कराची के अंदर जो इंटरनेट जितना भी इस्तेमाल हो रहा है, कराची का गालबन लोड है 600 GBPS का लोड है, ठीक है, 600 GB/s में कंज्यूम करते हैं हम कराची के अंदर जो अभी है, मेरे ख्याल ये 2-3 साल पहले की मैं डेटा बता रहा हूँ, अभी ज़्यादा हो गया होगा मे बी। तो जो 600 GBPS का डेटा है ना जो कराची से बाहर निकलता है जब सबमरीन में जब दाखिल होता है तो उसमें एक फ़िल्टर लगा हुआ होता है बीच में, वो आपकी सारी ट्रैफिक को ना रिकॉर्ड करता है, पता है आपको ये बात? अच्छा ये सिर्फ कराची में, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है ये, ठीक है, और अमेरिका तो ख़ास तौर पे तमाम ट्रैफिक को रिकॉर्ड करता है। अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, उनका 600 GBPS तो नहीं होगा, उनका और बहुत ज़्यादा होगा। तो जितना भी ट्रैफिक कंट्री से आउट होता है और कंट्री से इन होता है, जैसे एयरपोर्ट पर आप जाते हैं ना, जब कंट्री से बाहर निकलते हैं तो तमाम आपका सामान चेक होता है, ठीक है, गेटवे की बात कर रहा हूँ, एक गेटवे होता है, एक स्विच होता है, उससे गुजर के आपका डेटा जाता है। अमेरिका की कंट्री से जो भी डेटा निकल रहा है, आउट हो रहा है, और जो इन हो रहा है, वो सारा डेटा स्टोर किया जाता है। वो डेटा क्या हो सकता है? वो डेटा कोई HTML का पेज हो सकता है, वो डेटा कोई MP3 ऑडियो हो सकता है, वो कोई YouTube की वीडियो हो सकती है, वो कोई WordPress की वेबसाइट हो सकती है, वो कोई WhatsApp का मैसेज हो सकता है, वो कोई Skype की कोई वीडियो कॉल हो सकती है। तमाम तरह डेटा वो स्टोर किया जाता है और उसके ऊपर भी चेक्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी सिक्योरिटी लगी हुई होती है कि कोई अगर मशकूक डेटा इन या आउट हो रहा है तो उसको फ्लैग कर देता है वो, ठीक है। तो इतनी बड़ी तादाद में जो डेटा है ना, 600 GBPS अगर हम सिर्फ कराची की बात करें, 600 GB/s आप कंज्यूम कर रहे हैं पूरे दिन में, आप कैलकुलेट कर लें कितना बनेगा वो। रैपिड भी है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, और स्कीमा तो इतना सा भी स्कीमा नहीं पता हमें इसका कि कैसा होगा, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह का जो डेटा होता है उसको MongoDB संभाल सकता है, MongoDB इस तरह के डेटाबेस के साथ डील कर सकता है। इस तरह का डेटाबेस अगर इस तरह का डेटा आता है और MongoDB में आप वो डालते हैं तो MongoDB इज़ कैपेबल इनफ कि इस डेटा को वो हैंडल कर सके, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम इस क्लास को अब रोक देते हैं, आज की क्लास को। अब आज हमने डेटा को कनेक्ट करना सीखा है डेटाबेस को, और कनेक्ट करके हमने फिर डिस्कशन किए कि डेटाबेस क्या होता है,
MongoDB में और बाकी डेटाबेस में फ़र्क क्या होता है, ये छोटी मोटी डिस्कशन हमने की आज। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में ना हम इसका वो बनाएंगे, हम एक घंटा असल में ऊपर आ गए हम अपनी क्लास की टाइमिंग से ना, तो क्या कहते हैं फिर अगली क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से। ये कोड आप पुश कर देंगे अभी? जी जी कोड में पुश कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।